हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले आपके डेमोक्रेटिक राइट्स के बारे में, क्लास 9 से चैप्टर नंबर 6। टिपिकल इसके अंदर हम लोग बात करने वाले आपके राइट्स के बारे में कि किन किन प्रकार के राइट्स होते हैं और क्या क्या राइट्स आपको मिलते हैं। ठीक है, तो डेफिनेटली बताता हूँ ये लेक्चर भी आपका लंबा होगा, जिस तरीके से आपके पिछले 3 लेक्चर्स लंबे लंबे थे, जिनके बारे में मैंने आपको पहले भी कहा था कि उन लेक्चर्स को अगर आप एक बार देख लोगे तो वो लेक्चर्स आपको आगे इन फ्यूचर बहुत काम लगने वाले हैं। तो ये भी आपका लेक्चर हो सकता है कि लंबा जाए, आधा घंटे के आसपास या एक घंटे के आसपास लेक्चर जाएगा। तो जब भी देखने बैठो तो शांति से टाइम लेके बैठना, एक घंटा निकालना, जिसके कारण आपको आगे इन फ्यूचर कभी राइट्स के बारे में और कोई लेक्चर देखना नहीं पड़ेगा। क्लियर? मैं आई होप कि आपके सारे डाउट्स को मैं इस लेक्चर के अंदर क्लियर कर दूंगा। ओके, जस्ट इमेजिन करके देखो कि एक लाइफ के अंदर अगर राइट्स ना हो, ठीक है, तो लाइफ कैसी होगी? तो आपके अगर लाइफ में अगर राइट्स नहीं होंगे ना, तो आप ये समझ लो कि आप एक जीते जागते पुतले हो। ठीक है, क्या हो आप? एक जीते जागते सांस लेते हुए पुतले हो, अगर आपके पास राइट्स नहीं है तो। ठीक है, तो राइट्स इतना इम्पोर्टेंस रोल प्ले करती है इन द करंट सिचुएशन। ठीक है, करंट सिचुएशन छोड़ दो, मैं बोलता हूँ कि जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया ना, तब उनको इस चीज़ का अंदाज़ा था कि इन फ्यूचर क्या क्या चीज़ें डिफ़िकल्टियाँ फेस करेगा हमारा इंडिया, क्या क्या इंडियन सिटीजन्स को और भी ऐसी चीज़ें होंगी, टिपिकल चीज़ें जो उनको उस टाइम के हिसाब से, उस टाइम पे उन्होंने प्रिडिक्ट की थी और वो आज के डेट में 100% एक्यूरेट है। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाले जितने भी लोग थे वो सारे के सारे लॉयर्स थे। तो टिपिकल उनको पता था कि किस किस जगह पे कौन कौन से राइट्स देने हैं, किस किस जगह पे कौन कौन से राइट्स को हमें अबॉलिश करना है, कहाँ पे हमको लगता है कि कौन से रीजन्स के अंदर, कहाँ पे किस रिलीजन्स को, किस तरीके से सेकुलरिज्म को हम सपोर्ट करेंगे, वो सारी चीज़ें राइट्स में दी हुई है। इसलिए राइट्स इतना इम्पोर्टेंस है। बाकी जो आपकी ये 3 स्टोरीज है ना, इन 3 स्टोरी को आप पढ़ लेना। ठीक है, एक सऊदी अरेबिया की है, एक आपकी कुबा की स्टोरी है, इनको आप लोग टिपिकल चीज़ों में पढ़ लेना, क्योंकि बेसिकली इन चीज़ों के अंदर बताया गया है कि क्या क्या ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। ये समझ लो कि इन स्टोरी के अंदर ये चीज़ दिखाई गई है ना कि राइट्स क्यों इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, एक स्टोरी ऐसी मैं आपको ऊपर से बता देता हूँ कि जो आपकी पहली स्टोरी है ना प्रिजन वाली, इसके अंदर ये था कि US फोर्स ने पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड से 600 लोगों को अरेस्ट किया था विदाउट एनी गिविंग ट्रायल्स, विदाउट उनको कंसेंट किए हुए, खाली उन्होंने इस ऑब्जेक्शन के ऊपर उठा लिया था कि भाई ये 600 लोग पूरे वर्ल्ड से, याद रखना ये टिपिकल 600 लोग पूरे वर्ल्ड से, न्यूयॉर्क के अंदर अटैक हुआ था, उस न्यूयॉर्क के अंदर अटैक के अंदर भी इनका हाथ था और इन लोगों के कारण US को खतरा है, विदाउट उनकी परमिशन, उनके देश की परमिशन के बिना, मैं बोल रहा हूँ उनके टिपिकल देश के परमिशन के बिना भी उनको उठा लिया था, और उन 600 लोगों को प्रिजन में रखने के बाद जब उनके ऊपर कोई भी जजमेंट नहीं आया, फिर भी उनको प्रिजन में रखा गया और उनके ऊपर कोई भी टाइप की इंक्वायरी या उनको कोई भी राइट्स नहीं दिए गए। ठीक है, इनफैक्ट जो उनके साथ जो लोग थे, उन जो प्रिजनर थे जो उनके साथ रहते थे, उन्होंने कहा कि तुम लोग हड़ताल करो, तो उन लोगों ने हंगर स्ट्राइक किया। जब उन्होंने हंगर स्ट्राइक किया उसके बावजूद भी US गवर्नमेंट का कोई रिप्लाई नहीं था, उन्होंने कहा था कि तुम्हें मरना है ना तो मर जाओ, बट हम लोग आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, आपने जो कुछ भी किया है, आप जो 600 लोगों, उन 600 लोगों की गलती इतनी थी कि वो आज तक प्रूफ ही नहीं हुई कि उनकी गलतियां क्या थी ना, वो आज तक प्रूफ नहीं हुई और उन सबको अरेस्ट करके रख दिया विदाउट, और उनके एक भी राइट्स को, सब सारे राइट्स को उसने उस टाइम पे अबॉलिश कर दिया कि आपको कोई राइट्स नहीं है, आप कुछ नहीं हो, आप इस देश के अंदर, इस वर्ल्ड के अंदर एग्जिस्ट नहीं करते, उनको ऐसी ज़िंदगी जीने पर मजबूर कर दिया था। ठीक है, ये आपकी पहली स्टोरी थी। दूसरी स्टोरी है सऊदी अरेबिया की, उसके अंदर क्या है, उसके अंदर एक सिंपल सी बात समझो कि सऊदी अरेबिया के अंदर आपकी किंग की हायरार्की चलती है कि वहाँ पे राजा का बेटा राजा ही बनता है, वो रोल चलता है। तो कोई भी देश के अंदर कोई भी टिपिकल रूल्स रेगुलेशंस नहीं है। ठीक है, जिसका जब मन करता है वो रूल चेंज करता है, अगर राजा का उठ के सुबह मन करता है कि आज से इस देश के अंदर सिगरेट बैन तो सिगरेट बंद, वो सुबह उठ के बोले कि ना ना आज से सिगरेट चालू तो सिगरेट चालू, वो बोलेगा आज से पानी बंद तो पानी बंद, वो बोलेगा आज से आपको ये नहीं करना वो नहीं करना। ठीक है, इनडायरेक्टली हायरार्की होती है वहाँ पर, आपको कोई राइट्स वगैरह नहीं होते। दूसरी चीज़ कि सारे के सारे लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव मिनिस्टर्स वगैरह जितने भी सिविल सर्वेंट होते हैं, जो कुछ भी होते हैं, इंडिया के हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है, कि लेजिस्लेटिव या फिर एग्जीक्यूटिव,
और जैसे कि वहाँ पे सऊदी अरब में जो लोग सरकारी काम करते हैं या प्राइवेट एम्प्लॉय होते हैं, मंत्री वगैरह जो कुछ भी होते हैं, उनको अपॉइंट कौन करता है? उनको किंग अपॉइंट करता है। वहाँ का जज कौन अपॉइंट करता है? तो किंग अपॉइंट करता है। इनफैक्ट जज के जितने डिसीजन होते हैं उसको चेंज कौन कर सकता है? तो किंग चेंज कर सकता है। अगर जज ने किसी को बोल दिया है कि तेरे को फांसी की सजा देते हैं, किंग के पास सिफारिश गई, किंग को लगा कि भाई इसको माफ़ करना, तो माफ़ कर दिया। और उसको माफ़ मतलब ऐसा माफ़ किया कि उसको कोई सजा ही नहीं है आज के बाद, समझ लो। तो सऊदी अरेबिया में किंग का शासन चलता है। ओके, दूसरी चीज़ कि वो वहाँ के लोग कोई भी पार्टीज़ को मतलब बना सकते नहीं है। वहाँ के अंदर कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं है कि आपको कोई पार्टी क्रिएट करनी है, आप किसी एक पार्टी को सपोर्ट करोगे, ये करोगे, वहाँ पर ऐसा कोई सिस्टम चलता नहीं है। वहाँ सिटीजन के पास कोई राइट्स नहीं है। आप किसी भी तरीके से किसी भी गवर्नमेंट के खिलाफ, मतलब समझ लो कि गवर्नमेंट तो वहाँ पर है ही नहीं, तो इनडायरेक्टली किंग के सामने प्रोटेस्ट नहीं कर सकते किसी भी चीज़ को लेके। जो किंग ने बोल दिया, वो पत्थर की लकीर जो उसने बोल दिया, वो फाइनल डिसीजन, उसके खिलाफ कोई नहीं जाएगा। ये है दूसरी चीज़ कि उस देश के अंदर कोई भी टाइप का फ्रीडम रिलीजन्स नहीं है। वहाँ पे आपको सिंपल सी एक चीज़ याद रखनी है कि इफ़ यू आर ए मुस्लिम तो आपकी आपको उस देश के अंदर रहना है, तो यू मस्ट बी अ मुस्लिम सिटीज़न। अगर आप नॉन मुस्लिम हो तो याद रखना आप अपने धर्म को फॉलो अप नहीं कर सकते। आप अपने रिलीजन्स को इन प्राइवेट और इन पब्लिक कहीं पे भी आप उनको मना सकते नहीं हो। सपोज़ किसी की यहाँ पे इंडिया है, तो इंडिया के अंदर मुसलमान हो चाहे हिंदू हिंदू हो, दोनों को अपने रिलीजन्स के हिसाब से अपने फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करना, अपने धर्म को अपनाना, किसी भी धर्म के साथ रहना, कुछ भी करना, वो सब कुछ आपको फ्रीडम मिलती है। बट वो आपके पास राइट्स है कि आप अपने अपने रिलीजन्स के अंदर रह सकते हो, आपके राइट है, राइट टू रिलीजन्स का, ठीक है। बट सऊदी अरेबिया में ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पर आप मुसलमान हो तो आपकी इज्जत है, अगर आप नॉन मुसलमान हो मतलब आपकी उस देश के अंदर कोई किसी भी टाइप की एग्जिस्टेंस नहीं है। आपने टिपिकल पाकिस्तान का एग्जाम्पल सुना होगा, आए दिन हम लोग सुनते हैं कि पाकिस्तान के अंदर ये हो गया, पाकिस्तान के अंदर ये हो गया, पाकिस्तान के अंदर ये हो गया, उनके ऊपर हिंदू के जो जितने टेम्पल्स थे उनको तोड़े गए, ये कर दिए, वो कर दिए। तो जो आपने हायरार्की वहाँ देखते हो ना, सिचुएशन वहाँ देखते हो, वही सेम सिचुएशन सऊदी अरेबिया के अंदर भी है, ठीक है। आज के डेट में वो धीरे धीरे चेंज हो चुकी है, अब वो लोग भी धीरे धीरे डेवलपिंग जोन के अंदर जा रहे हैं। आगे बात करते हैं कि वहाँ के जो वुमेन सब्जेक्टिव होते हैं, वुमेन्स को वहाँ पर आज भी किसी भी टाइप की कोई भी ऐसे तो पब्लिक अपेयरेंस में उनको बहुत कम रखा गया है, ठीक है। और एक और चीज़ कि वहाँ के जज के हिसाब से, वहाँ के किंग के हिसाब से, दो महिलाओं जब वोट देंगी ना तो उनका वोट एक होगा, बट अगर एक मर्द वोट दे रहा है, एक ह्यूमन बींग्स के रूप में एक मैन वोट दे रहा है, एक लड़का वोट देगा, तो उसके वोट की वैल्यू दो गिनी जाएगी। मतलब दो वुमेंस के सामने वो वन वोट होगा। मतलब समझ लो कि एक इंसान है जो लड़की है, अगर उसने वोट दिया तो उसके वोट की वैल्यू होगी हाफ। जब दो वुमेंस मिलेंगी तब जाके उनके वोट की वैल्यू बनेगी वन, ठीक है। और अगर उसके सामने अगर एक मैन है वो वोट देगा तो उसकी वोट की वैल्यू होगी वन, समझ लो। जो दूसरा मैन होगा उसकी वोट की वैल्यू होगी वन। मतलब दो मैंस के दो जो बॉय होंगे उनकी वैल्यू टू वोट्स की और दो वुमेंस की वैल्यू वन वोट की। समझ में आ गया आपको? इनडायरेक्टली वुमेंस की वहाँ पे इतनी कुछ ज़्यादा से ज़्यादा उनको डिस्करेज किया जाता है। उनको बोला जाए कि तुम्हें घर के अंदर रहना है, तुमको बाहर निकलना नहीं है, आपके पास टिपिकल उनके टाइप के कोई राइट्स नहीं है, ठीक है। तो ये आपकी होगी कहाँ की, ये सिचुएशन आपकी कहाँ की है, सऊदी अरेबिया की। एक और आपकी है जो कि आपके कहाँ की है, यूगोस्लाविया करके आपकी कोई कंट्री है, वहाँ की ये सिचुएशन है। वहाँ की आपको टिपिकल ऊपर से आपको बता देता हूँ कि वहाँ की सिचुएशन क्या है। वहाँ की सिचुएशन ये है कि जो वहाँ का एक प्रेसिडेंट बनता है वो इनडायरेक्टली चाहता है कि पूरा का पूरा कंट्री उसके अंडर, उसके डिक्टेटरशिप के अंदर रहेगा। वो जो चाहता है वही बन के रहेगा। उस देश के अंदर किसी भी टाइप के राइट्स, कोई भी डेमोक्रेसी, कोई भी वोटिंग पावर कुछ भी नहीं होगा। उसके सामने कोई अपोजिशन लीडर्स नहीं होगा, टिपिकल उसके सामने कुछ नहीं, ठीक है। और वो देश को आज़ाद होने बहुत टाइम लगता है, और 2008 के अंदर एटलीस्ट फरवरी महीने के अंदर जाके वो आज़ाद हो जाता है। तो ये आपकी तीन स्टोरी है जो रिलेट करती है कि आपके देश के अंदर राइट्स रहने क्यों ज़रूरी हैं। अगर इन चारों देशों के अंदर, इन तीनों देशों के अंदर राइट्स होते तो सिचुएशन कुछ और होती, और इन चैप्टर्स को आप अपने स्टूडेंट्स के रूप में, आप अपने बुक्स के अंदर पढ़ नहीं रहे होते, ठीक है। तो राइट्स होने इतने ज़रूरी है। तो अब हम देखते हैं कि इंडिया के अंदर किस तरीके से राइट्स वर्कआउट करते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं। सबसे पहली बात आती है कि वहाँ पे अगर राइट टू डेमोक्रेसी होता तो क्या होता, तो एक चीज़ इंश्योर हो जाती कि वहाँ पे कोई भी इंसान होता उसके पास हमेशा मिनिमम ग्रांटेड पावर्स होती है।
कि वो एक वोट दे सकता था, उसको उसके पास पावर होती है कि भाई वो उस सिचुएशन को चेंज कर सकता था। जैसे सऊदी अरेबिया में था कि वुमेंस के पास, अगर वुमेंस के पास राइट टू कुछ भी होता, राइट टू एक्स वाई जेड, राइट टू फ्रीडम, राइट टू एक्सप्रेशन, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू स्पीच, कुछ भी होता, तो इनडायरेक्टली वो उस टाइम पर जाके विरोध कर सकती थी। तो ऐसा कोई राइट्स वहाँ पर है ही नहीं, तो इसलिए राइट टू डेमोक्रेसी होना बहुत ज़रूरी है, राइट। दूसरी चीज़ कि हमने हमेशा देखा है कि डेमोक्रेसी जो होती है, अगर राइट्स की डेमोक्रेसी देखो या फिर आपके नॉर्मल डेमोक्रेसी देखो, उनमें इतना डिफरेंस होता है कि वो हमेशा ऑन पेपर दिखती है, आउट ऑफ द पेपर्स ऑन द फील्ड एक डिफरेंट सिनेरियो होता है। आपको पता है कि इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी है, राइट्स है, सब चीज़ें हैं, बट ऑन पेपर कुछ अलग चीज़ें हैं, और आउट ऑफ द बॉक्स जब फील्ड में आप जाके उनको देखते हो, उनको ऑब्जर्व करते हो, तब कॉम्प्रोमाइज़ करते हो। 90% देशों में ऐसा होता है कि ऑन पेपर बहुत अलग चीज़ लिखी होती है, और आउट ऑफ द बॉक्स जब उसको फील्ड में देखोगे ना, तो आपको अलग चीज़ दिखेगी। इंडिया के अंदर भी वो सिचुएशन चलती रहती है कि फंडामेंटल राइट्स का अलोगेशन होता है, बहुत बार होता है, वो लोग उसको कॉम्प्रोमाइज़ के रूप में जाने देते हैं कि हाँ भाई छोड़ना, कोर्ट कचे के चक्कर कौन काटेगा, छोड़ना। तो ये टिपिकल इंडियन सिचुएशन होती है। हाँ, आज भी ये चलता है, आज भी इस देश के अंदर चलता है कि जब कोई दो इंसान रोड के ऊपर लड़ रहे होते हैं, जब वो दूसरे लड़ लड़के थक जाते हैं ना, तो वो कहते हैं कि आई विल सी यू इन द कोर्ट। क्या बोलते हैं? आई विल सी यू ऑन द कोर्ट, क्योंकि आज भी उनको यकीन है कि जज के रूप में बैठे वाला जज इंसान उसके सामने उसकी पूरी की पूरी हर एक चीज़ की इंसाफी कार्रवाई करेगा उसके लिए, राइट। तो इंडियन सिस्टम ऐसे तो अच्छा है, पैसे बहुत लंबा प्रोसेस चलता है। आगे बात करते हैं मीनिंग ऑफ द राइट्स, राइट्स का रियल मीनिंग क्या होता है। तो सोसाइटी के अंदर या फिर इकोनॉमिकली हर एक चीज़ में एक ऐसा लॉ प्रिपेयर किया गया है जो लॉ आपके आपको जीने का हक देता है, आपके हर एक राइट को रिस्पेक्टफुली रखता है, उसका कोई वायलेशन नहीं कर सकता। अगर उसको वायलेशन करता है तो कोई भी इंसान, कोई भी सिटीजन जाके डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जाके PIL डाल सकता है, या फिर वहाँ पर जाके अपनी कंप्लेन को रजिस्टर कर सकता है कि मेरे इस राइट का उल्लंघन किया जा रहा है इसके द्वारा, या फिर इस XYZ कंपनी के द्वारा, फिर XYZ इंसान के द्वारा मेरा इस चीज़ का अबोल्यूशन किया जा रहा है। तो राइट ऑफ मीनिंग समझ में आ गया कि राइट्स का मीनिंग क्या है। राइट का मीनिंग है कि आपको जीने का हक मिलता है, पर्सन को अपनी सोसाइटी में रहने का हक मिलता है, उसको एक पहचान मिलती है। आज आपको, आप जो इंसान हो, मैं हूँ, आप हो, कोई भी हो, हम सब जो ज़िंदगी जी रहे हैं ना, वो राइट्स के ऊपर जी रहे हैं। हमारे पास है राइट टू लिविंगहुड, लाइवहुड के रूप में, तो हम सांस ले रहे हैं, हम लोग रह रहे हैं। हमारे पास राइट है, राइट टू फ्रीडम, हम लोग घूम फिर सकते हैं। राइट टू इक्वालिटी, हम लोग कहीं भी जाते हैं तो हमारे साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। मैं एक इंसान हूँ, तो राइट टू आइडेंटिटी, तो मेरी भी कुछ ना कोई आइडेंटिटी है, मेरे पास कुछ ना कोई प्रूफ है कि मैं इस सिटीजनशिप का, यहाँ का ओनर हूँ, राइट। इंडिया के अंदर रहता हूँ तो वो मेरी आइडेंटिटी है, तो वो सब कुछ कहाँ से बनता है? जब मैं अपने सारे के सारे राइट्स को अपनाता हूँ तब बनता है, राइट। और इंडिया, अगर आप इंडिया में पैदा हो रहे हो, तो आप इनडायरेक्टली फंडामेंटल राइट्स का हक आपको खुद ऑटोमेटिक मिलता है। आगे बात करते हैं कि वाई वी नीड्स अ राइट्स, कि राइट्स क्यों चाहिए। राइट आर द नेसेसरी फॉर द वेरी सब्स्टिट्यूशन ऑफ द डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी को अगर शांति से चलाना है ना, तो राइट्स चाहिए। क्यों? उसके अंदर आपके दो सबसे बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं, कौन से? राइट टू वोट एंड राइट टू इलेक्ट द गवर्नमेंट। सबसे दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, क्या अगर आपको अपने देश के अंदर आपको आपकी गवर्नमेंट चॉइस करने का मौका मिलता है, और आपको दूसरा वोट करने का मौका मिलता है, मतलब आपके सारे के सारे राइट्स आ गए, सारे राइट्स, समझ रहे हो मैं ये बोल रहा हूँ, आपके पास सारे के सारे राइट्स हो गए। क्यों? क्योंकि आप अपने हिसाब से गवर्नमेंट को चॉइस कर सकते हो, आपके पास पावर है वोट देने का, आपके पास दो सबसे बड़ी पावर्स हैं। क्या आप इस देश के अंदर सरकार को चला भी सकते हो, सरकार को गिरा भी सकते हो, क्लियर? तो सबसे बड़े दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए। दूसरी चीज़ कि राइट अगेन टू प्रोटेस्ट एनी ऑफ द लॉ। आपको लगता है कि आपके सामने किसी डेमोक्रेटिक पार्टी ने या कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन रजिस्टर्ड पार्टी ने, XYZ पार्टी ने कोई ऐसा नियम ले दिया है, ऐसा कोई लॉ लेके आ गया है जिसके अंदर आपके फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हो रहा है, तो आप जाके प्रोटेस्ट कर सकते हो। आप जाके उनके खिलाफ एक कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में जाके PIL दाखिल कर सकते हो एज ए नॉर्मल सिटीज़न, क्लियर। आपको हक है, आप अपनी आवाज़ को उठा सकते हो, आप फ्रीडमली लोगों से बात कर सकते हो, आपको फ्रीडमली राइट टू, वो कहते हैं कि राइट टू स्पीच, आपको उसका हक आपको मिला हुआ है, क्लियर। ओके, आगे बात करते हैं कि राइट्स इन द आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन,
ओके ओके, पहली बात कि फंडामेंटल राइट्स आर गिवन यू द स्पेशल स्टेटस इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो फंडामेंटल राइट्स है ना, उनका एक स्पेशल दर्जा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। क्यों? क्योंकि फंडामेंटल राइट्स बेसिकली आपके ह्यूमन राइट्स से रिलेटेबल है। जितने भी आपको 6 राइट्स आपको मैं पढ़ाऊंगा, वो 6 राइट्स आपको रियल लाइफ में इम्प्लीमेंटेड हो रही हैं। जितने भी आपने ये 6 राइट्स पढ़ने वाले ना, वो 6 के 6 राइट्स आपको आपकी लाइफ के अंदर रेगुलर इंटरफेल्स के ऊपर आपको देखने को मिलेंगे। आपको नहीं मिले होंगे तो आपकी फैमिली में सबको देखने को मिलते हैं। एक मैच्योर एज के आप हो जाओगे तो आपको ऑटोमेटिकली वो इस लेवल का देखने को मिल जाएगा। ओके, तो बात करते हैं उन 6 चीज़ों के बारे में। पहले और एक चीज़ बता देता हूँ कि बेसिक ह्यूमन राइट्स मिलते हैं एवरी सिटीजन इन द डेमोक्रेसी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हिज और हर पर्सनैलिटी। उसकी खुद की पर्सनैलिटी डेवलप होती है जब वो फंडामेंटल राइट्स के सारे हक को अपनाता है। दूसरी कि दिस राइट्स आर ग्रांटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब इनके खिलाफ कोई नहीं जा सकता है। ओके, दूसरी चीज, दे प्रॉमिस टू सिक्योर द ऑल द सिटीजन्स इक्वालिटी, लिबर्टी एंड जस्टिस। ये तीनों चीज़ों के ऊपर इन चीज़ों का हक है। फंडामेंटल राइट्स ये प्रूफ करता है कि मैं इन तीनों चीज़ों के ऊपर प्रोटेक्शन आपको प्रोवाइड करूंगा। अब बात करते हैं कि वो 6 फंडामेंटल राइट्स कौन कौन से हैं। तो मैं पहले आपको 6 फंडामेंटल राइट्स बता देता हूँ कि राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन्स, कल्चर, एजुकेशन राइट्स, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये आपके 6 टिपिकल टाइप्स हैं और इन 6 टिपिकल टाइप्स को मैंने डिटेल्स में बताया हुआ है। अब आपको पढ़ते हैं कि राइट टू इक्वालिटी का मतलब क्या होता है कि गवर्नमेंट शैल नॉट डिनाई इक्वालिटी बिफोर द लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ ए लॉ ऑफ टू एनी पर्सन इन इंडिया। इस इंडिया के अंदर अगर देश का प्रधानमंत्री हो, देश का राष्ट्रपति हो, प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो, या फिर एक चाय की टपरी पे बनाने वाला चाय वाला क्यों ना हो, सब के सब एक राइट टू इक्वालिटी के अंदर आते हैं। सबको एक इक्वल दर्जा मिलेगा, किसी के सामने किसी भी टाइप की कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जाएगी। क्यों? क्योंकि राइट टू इक्वालिटी आप उस हक के अंतर्गत आते हो। राइट टू इक्वालिटी के अंदर किसी भी एसटी एससी ओबीसी जनरल कैटेगरी ईसी एससी बीसी कोई भी कास्ट हो, सब इक्वालिटी के अंदर आते हैं। ठीक है, एक और चीज़ उसको हम लोग कहते हैं कि रूल ऑफ लॉ। क्या कहते हैं? रूल ऑफ लॉ। आगे बात करते हैं कि नो पर्सन इज अबाउ द लॉ, किसी भी कोई भी इंसान इसके ऊपर नहीं होगा, कोई भी इंसान हो। क्लियर? वो किसी भी टाइप का डिस्क्रिमिनेशन आपके सामने नहीं कर सकता है ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के हिसाब से आपके ऊपर किसी भी टाइप का डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता। अगर करता है तो उसके खिलाफ आप लोग जाके कोर्ट में कंप्लेन रजिस्टर कर सकते हो। और याद रखना, फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करना मतलब इनडायरेक्टली आपने कोई ऐसा कांड कर दिया हो जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट आपको हिला कर रख दे सकती है। समझ रहे हो? क्या अब जस्ट इमेजिन करो कि अगर नॉर्मल केस होता है ना, वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चल जाता है, कोर्ट के बाहर सेटलमेंट हो जाता है, पुलिस वाले बोल देते कि हाँ भाई चल मामला ख़त्म कर, भाई चल ख़त्म कर। बट जस्ट इमेजिन करो जिस भी चीज़ के अंदर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट अपना हाथ डाल रही हो, वो मामला छोटा होगा ही नहीं बेटा। समझो, सुप्रीम कोर्ट आपके धज्जियाँ उड़ा देगी। वो कहते हैं ना कि वो जज आपके सामने खड़ा हो जाए ना, तो जज के पास वो सबको, मैंने आपको पहले बताया, मैंने जज आपको जुडिशियल चैप्टर मैंने बहुत पहले पढ़ाया था, रिसेंटली मैंने पढ़ाया था, उसमें मैंने एक चीज़ आपको बताई थी कि अगर देश के अंदर रियल पावर देखनी है ना, रियल पावर विदाउट एनी मनी, अगर रियल पावर को एक्सपीरियंस करना है तो सुप्रीम कोर्ट के जज बनो या फिर हाई कोर्ट के जज बन जाओ। इतनी मेहनत करो कि जज बन के बैठो। सर जी बहुत पावर है, और रियल पावर का एक्सपीरियंस वहाँ होता है। वहाँ आपके सामने उस कटघरे के अंदर खड़ा हुआ एक प्रधानमंत्री हो, या एक नॉर्मल इंसान हो, या इस देश का सबसे अमीर इंसान हो, या इस देश का सबसे गरीब इंसान हो, आप उस टाइम पे इतनी पावर में होते हो कि आप सबको एक नज़र से देखते हो। वो कहते हैं ना कि कानून अंधा होता है, उसका रीज़न ये है कि वो कानून अंधा तो है पर सबको एक नज़र से देखता है। उसकी नज़र में इस देश का प्रधानमंत्री भी सेम है और इस देश के अंदर कॉमन इंसान भी सेम है। क्लियर? ओके, तो ये हमको राइट सीता कौन, राइट टू इक्वालिटी। ओके, आगे बात करते हैं कि किसी भी इंसान को पब्लिक प्लेस के ऊपर उसकी शॉप, रेस्टोरेंट, होटल, सिनेमा हॉल, सब जगह जाने का उसको पूरा का पूरा एक्सेस होना चाहिए। वहाँ पे उसके खिलाफ किसी भी टाइप का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़ कि गाँव के अंदर आज भी देखा जाता है कि वेल, टैंक्स, बाथिंग जो बॉट्स होते हैं, बहुत बड़े बड़े टैंक्स से बनाए होते हैं, तालाब वगैरह होते हैं, रोड, प्लेग्राउंड, प्लेस ऑफ पब्लिक रिजॉर्ट्स मेंटेन बाय द गवर्नमेंट,
जितनी भी आपकी जनरल पब्लिक फैसिलिटीज़ हैं, जनरल पब्लिक सर्विस अवेलेबल्स हैं, इन सब के अंदर भी किसी भी टाइप का इक्वालिटी के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। सबको इक्वल राइट्स है, वहाँ पे किसी भी जात का जाति भेदभाव नहीं होना चाहिए। अगर जाति भेदभाव हमको देखने को मिलता है तो कहाँ देखने को मिलता है, 90% हमको देखने को मिलता है विलेज के अंदर। क्लियर, उसका एग्जांपल मैंने नीचे दिया हुआ है आपको। आगे बात करते हैं कि इनके लिए सरकार ने क्या किया। तो सरकार ने एक चीज़ समझी कि राइट टू इक्वालिटी हमने लिख तो दिया, हमने लिख दिया कि भाई इन इन जगहों पे, इस जगहों पे किसी भी टाइप का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, बट ऑन द पेपर लिखा है ना, तो ये रिजर्वेशन वालों को क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो रिजर्वेशन वालों के लिए उन्होंने एक अलग से चीज़ इंक्लूड करो। क्यों इंक्लूड करनी पड़ी? क्योंकि उनको दिख रहा था कि उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेंगी। क्यों? क्योंकि इस देश के अंदर इस तरीके से पब्लिक की मेंटालिटी है ना कि वो लोग इनको कुछ मानते ही नहीं थे पहले, समझ लो, पहले से आदि आदि अनादि काल से, जब जब इंसान, जब भगवान ने इंसानों को बनाया, हमने धर्म को बनाया, हमने जाति को बनाया, ठीक है, फिर भगवान ने बोला कि तुमने सब कुछ बना लिया, अब मुझे मेरी ज़रूरत है ही नहीं यहाँ पे, ठीक है, ये टिपिकल सिचुएशन थी। अब जब हमने सब कुछ बना लिया तो हमने उनको अलग अलग वर्ण में डिवाइड कर दिया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, हमने इन चारों में उसको डिवाइड कर दिया। अब इन चारों में से जो सबसे नीचे कास्ट के लोग थे ना, उनको रिजर्वेशन कैटेगरी में डॉक्टर अम्बेडकर जी ने ऐड करवा दिया, ऐड कर दिया। उनके खिलाफ उनके उन्होंने बहुत अच्छे सारे के सारे मोर्चे संभाले, उन्होंने उनके लिए बहुत अच्छे अच्छे काम किए, ठीक है। तो उनको इसके अंदर भी उन्होंने राइट्स अलग से दिलवाए। किस तरीके से दिलवाए? कि रिजर्वेशन फॉर द एसटी कैटेगरी, एसटी और एससी कैटेगरी और बैकवर्ड क्लासेस के लिए, अदर बैकवर्ड का लिए, मतलब ओबीसी के लिए भी होगा, और इनके लिए रिजर्वेशन में अलग से, याद रखना, बट दिस रिजर्वेशन आर नॉट अगेंस्ट द राइट ऑफ इक्वालिटी। अब आप बोलोगे कि यहाँ पे आपका सबका एक विरोध होता है, लोगों ने इसके खिलाफ पहले पीआर दाखिल किया था कि सर जी आप ये लोग कहते हो कि राइट टू इक्वालिटी मतलब सब लोग सब जगह पे इक्वल, तो एसटी एचसी और ओबीसी को रिजर्वेशन क्यों मिला गया है? तो वहाँ पे एक छोटी सी लाइन ऐड की गई थी कि रिजर्वेशन इज नॉट अगेंस्ट द इक्वालिटी, उनको एक स्पेशल पावर मिली है, उनको एक स्पेशल प्रिविलेज मिला है क्योंकि उनको रिजर्व करना ज़रूरी है, राइट, ऐसा उनको पावर्स दिया गया। आगे कि इक्वालिटी डज नॉट मीन टू गिव द एवरी वन द सेम ट्रीटमेंट। सही है, आपको पहले बता देता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि हर एक इंसान को सेम इक्वल ट्रीट करे इक्वालिटी, इसलिए उनको एज अ रिजर्वेशन के रूप में इनको ऐड करना पड़ा, ठीक है, क्योंकि हमको पता है कि भाई हम सब ने इक्वालिटी एक दूसरे को ट्रीट करते हैं, बट उनकी लोगों की क्या गलतियाँ हैं, ठीक है, तो उनको इक्वल फील हो कि वो लोग समाज से पिछड़ा वर्ग ना रहे, इसलिए रिजर्वेशन कोटे को लाते हैं हम लोग, उसको यूज़ किया जाता है। ओके, आगे बात करते हैं अनटचेबिलिटी जो प्रिंसिपल्स थे उनको एक्सट्रीम लेवल पे विलेज के अंदर बहुत ज़्यादा फॉलो किया जा रहा था, तो उनको भी हटाया गया। ओके, वो लोग ये सोचते थे, याद रखना, आज भी इस देश के अंदर कुछ ऐसे हिस्से हैं जहाँ पे अनटचेबिलिटी का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, कि जिसके अंदर वो लोग ये चाहते हैं, वो लोग ये सोचते हैं कि ऐसी जाति के लोग जो इसको डिज़र्व नहीं करते हैं, वो इस देश के अंदर रहना डिज़र्व नहीं करते हैं, वो इस पर्टिकुलर समाज के आसपास रहना डिज़र्व नहीं करते हैं, उनको एक अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है कि अगर उनको कोई छू भी ले ना तो वो कहते हैं कि हम अशुद्ध हो चुके हैं, समझ रहे हो। तो ये सब कुछ ना फेस करना पड़े, इसलिए अनटचेबिलिटी को भी हटाया गया। ओके, आगे बात करते हैं कि 1999 में आपके पी सनी साहब ने सहंदी से एक मस्त रिपोर्टर है, इनके बारे में मैंने पढ़ा हुआ है, ये रिपोर्टर ने द हिंदू के अंदर एक ऐसी न्यूज़ पब्लिश की पब्लिकली आके, ठीक है, जिन्होंने ये कहा था कि दलित जो पर्सन होते हैं, जो एसटी कैटेगरी से या फिर एससी कैटेगरी से या फिर दलित जो पीपल्स हैं जो इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उनके खिलाफ देश के अंदर इस तरीके के मूवमेंट्स चलते हैं, इस तरीके के लोग रहते हैं कि जो अपनी चाय की टपरी के ऊपर दो टाइप के गिलास रखते हैं, एक गिलास ऐसा होता है कि जो सबके लिए होगा और एक गिलास ऐसा होगा जो दलित के लिए होगा, ठीक है, उसको उस दलित के लिए अलग से ग्लास रखा जाएगा, उस ग्लास के अंदर वो पिएगा और उस ग्लास को वो धो के खुद वहाँ रखेगा, समझ रहे हो, ये उसकी वैल्यू की जाती थी। तब वो उसकी गलती थोड़ी है कि वो दलित में पैदा हो गया, और ये तो नहीं है, और इसमें और चीज़ें इसमें इंक्लूड की गई थी, कौन कौन सी, कि बार्बर जो होते थे, जो बाल कटिंग वाले थे, वो उनके बाल काटने से मना कर देते थे, वो ये कहते थे कि भाई हम लोग तुमसे, मतलब हम तुम्हारे बाल नहीं काटोगे, आप अपने हिसाब से जो आप कर सकते हो वो कर लो, बाकी हम नहीं करने वाले। दूसरी चीज़ कि दलित स्टूडेंट्स को स्कूल के अंदर
एक अलग से सेपरेटली बैठाया जाता था, उनके लिए पानी पीने का जो सेपरेट पॉइंट था उनके लिए सब जगह सेम पॉइंट्स नहीं थे। दूसरी चीज़ कि जो दलित ग्रूमर्स थे, मतलब जिनके ब्याह व्याह शादी वगैरह कुछ भी होने वाली होती, उनके लिए प्रोहिबिट था कि वो घोड़े पे नहीं चढ़ेंगे। क्लियर? ये आपने एक अगर आश्रम मूवी है, आश्रम करके कोई वेब सीरीज आई थिंक से है, उसका एक टिपिकल सीन है, उसके स्टार्टिंग में एक सीन आता है, उस सीन के अंदर दिखाया गया है कि किस तरीके से एक दलित, एक नीची जात का इंसान, ठीक है, उसमें इस एक मूवी का सीन है। इस मूवी के सीन को आप एक बार देख लेना, ठीक है, इस मूवी के सीन को, या फिर आश्रम कोई आई थिंक वेब सीरीज है या फिर मूवी है, मुझे ढंग से याद नहीं है, बस उस मूवी के एक सीन को याद रखना कि उसके अंदर एक नीची जात का इंसान होता है जो शादी करना चाहता है, वो जो शादी पे करता है तो वो पगड़ी पहनता है और वो घोड़े पर चढ़ता है, और वो खाली इस चीज़ के लिए उसका मर्डर कर दिया जाता है, उसको मार देते हैं पब्लिक, उसका पब्लिक सरेआम मर्डर कर डालती है। क्यों? क्योंकि जस्ट उसने उस चीज़ का फ़ायदा उठा के वो घोड़े पर चढ़ा, उसने पगड़ी पहनी इसलिए उसको मार डाला। क्लियर? ये होता है दलित के साथ होता है। दलित विल बी नॉट अलाउड टू यूज़ अ कॉमन हैंड पम्प्स, इफ़ दे डिड द हैंड पम्प हैज़ बी वॉश्ड बाय द प्योरीफाई। हैंडपम्प को धोना पड़ता है, उसकी शुद्धिकरण करनी पड़ती है। ये सब कुछ कौन सी रिपोर्ट में था? जो आपकी पी मैडम ने भेजी थी 1999 के अंदर, ठीक है, इस पूरी रिपोर्ट के अंदर था। तो ये होता है आपका राइट्स, अगर राइट्स हो तो ये सब कुछ हम लोग हटा सकते हैं धीरे धीरे, ठीक है। और कहीं ना कहीं आज की डेट के अंदर धीरे धीरे वो चीज़ें हट चुकी हैं। आज की डेट में आपको अपने आसपास के एरिया में आपको ये देखने को नहीं मिलता होगा। टिपिकली बहुत रूरल्स एरिया है, जो बहुत रूट्स एरिया है, मतलब ऐसे रूट्स एरिया कि जहाँ तक आज भी वो बहुत पुरानी चीज़ों को फॉलो कर लेते हैं, जहाँ आज भी इतना एजुकेशन लोगों के पास नहीं पहुँचा है, आज वो उस एरिया की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। आगे बात करते हैं कि राइट टू फ्रीडम्स में और क्या चीज़ें आती हैं। अभी सेकंड पॉइंट याद रखना, राइट टू इक्वालिटी मैंने आपको बता दिया डिटेल्स में, अब आते हैं राइट टू फ्रीडम्स के बारे में। तो राइट टू फ्रीडम में क्या है? अबॉलिशन ऑफ द रिस्ट्रिक्शन एरियाज। याद रखना, राइट टू फ्रीडम का मतलब यह नहीं है कि किसी के भी घर में किसी भी टाइम में घुस जाओ। राइट टू फ्रीडम का मतलब है कि पब्लिक स्पेस के ऊपर, ठीक है, पब्लिक स्पेस के ऊपर किसी भी तरीके से इंडिविजुअल या फिर गवर्नमेंटली कुछ भी करना हो, आपके पास सारे राइट्स नहीं है। कुछ इसके अंदर राइट्स दिए हुए हैं, वो आपको बताता हूँ कि राइट टू फ्रीडम का मतलब क्या होता है। राइट टू फ्रीडम का मतलब है फ्रीडम ऑफ द स्पीच एंड एक्सप्रेशन। आप कुछ भी बोल सकते हो, आप कुछ भी व्यक्त कर सकते हो। क्लियर? असेंबली असेंबल इन द पीसफुल मैनर्स। आप साथ में मिल सकते हो, लोगों से बात कर सकते हो, लोगों से साथ रह सकते हो, एक संगठन बना सकते हो। समझ रहे हो? आपने पांच लोगों को इकट्ठा कर लिया। पहली बात, आप इसको एक स्टोरी की लैंग्वेज समझो, कि राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन मतलब मैं एक जगह पे खड़ा हुआ, मैंने अपना अपनी अपनी बारे में सब कुछ बोलना शुरू किया, मैं किसके लिए खड़ा हूँ, क्या करना चाहता हूँ, मैं सब कुछ बोला। असेंबल इन द पीसफुल मैनर, तो लोगों ने मेरे को सपोर्ट करने के लिए, वो अपने हिसाब से घर से बाहर निकले और उन्होंने मेरे को सपोर्ट किया। सपोर्ट करने के बाद क्या करूँगा मैं? तो फॉर्म द एसोसिएशन, यूनियन और ए कॉरपोरेट सोसाइटी। अब मुझे लगता है कि मेरे पास इनफ जनता है, मेरे पास इनफ लोग हैं, तो मैं क्या करूँगा, मैं उसको ऐसे एसोसिएशन के अंदर मैं कन्वर्ट करूँगा, या फिर एक ऐसे यूनियन के अंदर कन्वर्ट करूँगा, या फिर मैं कॉरपोरेट सोसाइटी के अंदर उसको इंक्लूड कर लूँगा। क्लियर? मैंने पहले क्या किया, अपनी बातें रखी, दूसरे में मैंने लोगों को कन्वेंस किया, तीसरे में मैंने उनको यूनियंस के रूप में या फिर सोसाइटी के रूप में या फिर एसोसिएशन के रूप में उनको कन्वर्ट करवा के अपने साथ समर्थन में ले लिया। फिर अब मेरा मन कर रहा है कि मैं पूरा देश घूमूं। क्या करूं? पूरा देश घूमूं, मेरे अपनी कॉरपोरेट सोसाइटी के साथ मैं पूरा देश घूमूं। तो मूव फ्रीली थ्रू आउट द कंट्री इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। याद रखना, स्पेसिफाई कर रहा हूं, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। रिसाइड एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, किसी भी पार्ट में जाके मैं फिर से अपनी पार्टी का, फिर जो कुछ मैंने कुछ भी किया हुआ है उसके लिए फिर से मैं उस जगह पर जाके अपने हिसाब से रिसाइड कर सकता हूँ, रह सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। इनडायरेक्टली मैं वहाँ जाके कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी इन द सेंस कोई भी चीज़ लॉ के अगेंस्ट में मैं नहीं कर सकता हूँ। क्लियर? और लास्ट ये आती है कि प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। जिस जगह पे मैं मूव आउट हुआ हूँ, सपोज़ कि यहाँ से मैंने अपनी बातें रखी और बातें करने थे करते मेरे को 500 लोग मिल गए, और 500 लोग मुझे ऐसे मिले कि जिनके पास कोई हथियार वगैरह नहीं है, वो लोग पीस में बिलीव करते हैं, वो मुझे मिले, मैंने उनका एक यूनियन बनाया, उस यूनियन को लेके मैं देश भर में घूमा
और देश भर में घूमने के बाद मेरे को जम्मू कश्मीर के अंदर कश्मीर का एक एरिया मेरे को बहुत पसंद आया। मैं वहाँ जाता हूँ, उस एरिया के ऊपर मैं रहता हूँ, उस एरिया के अंदर रहने के लिए मुझे रोज़गार चाहिए, तो मैं उस एरिया के अंदर के जा के भी अपनी स्किल्स को डेवलप करके उस एरिया के अंदर किसी भी ट्रेड या फिर किसी भी बिज़नेस को कुछ भी कर सकता हूँ मैं उस एरिया के अंदर, मेरे पास इतने राइट्स हैं। क्लियर? तो ये आपके टिपिकल फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम के आपके इतने राइट्स हैं जिनको आप फॉलो ले सकते हो। ओके, दूसरी चीज़, राइट टू फ्रीडम का मतलब ये नहीं होगा कि आप किसी के भी धर्म को, किसी भी चीज़ को वॉयलेट करो। क्लियर? ओके, आपको ये ऐसा हो कि भाई आपको लगता हो कि राइट टू फ्रीडम का मतलब हो गया कि आप कुछ भी कर रहे हो, आपका मन कर रहा है उसका उसके घर में घुस जा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, नहीं, इसमें बहुत ज़्यादा अफवाह चीज़ें लिखी हुई है कि आप पब्लिक प्लेसेस का यूज़ कर सकते हो। इनडायरेक्टली राइट टू इक्वालिटी में जितनी चीज़ें दी हुई थी ना, उसको रिफ्लेक्ट कर लो, उसको कॉमनली डिवाइड करो, फिर उसका एरो बना के बताया रखो कि जो जो चीज़ राइट टू इक्वालिटी में थी ना, वही चीज़ सिंपली राइट टू फ्रीडम्स के अंदर भी है। क्लियर? ओके, दूसरी चीज़ कि फ्रीडम इज अ नॉट, देखो यार ये यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने मार्क किया, फ्रीडम इज अ नॉट ए अनलिमिटेड लाइसेंस टू डू व्हाट आई वांट टू डू और व्हाट यू वांट टू डू। आपके पास वो अनलिमिटेड लाइसेंस नहीं है, याद रखना एक चीज़। क्लियर? आगे बात करते हैं कि फ्रीडम ऑफ द स्पीच एंड एक्सप्रेशन में और क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो इसमें आपको टिपिकल ये चीज़ें याद रखनी है कि आप अपनी बातों को पैम्पलेट के रूप में, मैगजीन्स के रूप में, न्यूज़पेपर के रूप में, पेंटिंग्स के रूप में, पोएट्स के रूप में, सॉन्ग्स के रूप में आप अपनी बातों को रख सकते हो, बट इसके अंदर ना किसी डेमोक्रेसी या फिर किसी भी राइट्स का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़, ये किसी वॉयलेंस के अगेंस्ट नहीं होनी चाहिए, या फिर आपकी जो कविता या मैगजीन कुछ भी हो वो एज ए रेबल पर्सन गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं होने चाहिए। बाकी आप राइट टू स्पीच का और एक्सप्रेशन का पूरा फ़ायदा उठा सकते हो। आगे बात करते हैं, असेंबल इन द पीसफुल मैनर्स, ठीक है, और ए फॉर्म ऑफ एसोसिएशन, दोनों चीज़ एक साथ बता रहा हूँ कि पीसफुल मैनर के अंदर मतलब ये होता है कि आप किसी भी टाइप का वेपन कैरी नहीं करोगे, आप साथ में मिल सकते हो, ठीक है, आप पीसफुल लोगों के साथ मीटिंग करो, उनके साथ जो आपको कोई भी कार्य करवाना हो वो सारे कार्य आप कर सकते हो, बस वो चीज़ देश के हित में होनी चाहिए, देश के अगेंस्ट नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज़ कि उन सबके पास, किसी के पास भी किसी टाइप का हथियार नहीं होना चाहिए। क्लियर? ओके, आगे बात करते हैं, फ्रीडम टू ट्रेवल एंड चूज द ऑक्यूपेशन। आप इस देश के अंदर किसी भी जगह पे घूम सकते हो, आप किसी भी जगह पे सेटल्ड हो सकते हो, किसी भी टेरिटरी के अंदर, याद रखना, किसी भी टेरिटरी के अंदर, इंडिया के अंदर आप कहीं भी सेटल हो सकते हो। दूसरी चीज़ कि इस चीज़ ने ना इतना फ़ायदा करवाया है कि लोग अब अपने विलेज से माइग्रेट होकर सिटी तक आते हैं एक रोज़गार की खुशी के अंदर, और यहाँ पे आके सेटल्ड होते हैं, यहाँ पे आके उनको समझ में आता है कि पैसे की वैल्यू क्या होती है, क्योंकि एक रुपये में जहाँ पे वहाँ पे गांव के अंदर एक किलो चावल मिलते हैं, उस शहर के अंदर एक रुपये में एक टॉफ़ी मुश्किल से मिल जाती है। क्लियर? तो वो एक डिफरेंशिएट होता है, वो एक मोटिवेट करता है विलेजर्स को कि वे पैसे कमाते हैं किस तरीके से, फिर वो पैसे यहाँ कमाते हैं, यूज़ गांव में करते हैं, जिस तरीके से आज की पब्लिक कैनेडा, यूएस, लंदन जाके जाती है कि वहाँ कमाती है, यूज़ यहाँ करती है, तो वो जो माइग्रेट जो पीपल्स होते हैं, जो विलेज के पीपल्स होते हैं वहाँ के, आज भी उनके विलेज के अंदर हर चीज़ सस्ती मिलती है। क्लियर? तो वो लोग ये करते हैं कि वो हर साल पूरे साल मेहनत करते हैं, और दिवाली के टाइम पे टिपिकल ऐसे सिचुएशन के, बहुत बड़े अच्छे अच्छे त्यौहारों के टाइम पे वो सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ से निकल जाएंगे कहाँ पे, गांव में, और गांव में जाके पैसा उड़ाते हैं। क्लियर? वो ऐसे चीज़ें करते हैं, वो उड़ाते हैं मीन्स पैसे को इन्जॉय करते हैं, ये चीज़ कह सकते हैं हम टिपिकल चीज़ें। ओके, और क्या क्या चीज़ें हैं, राइट टू चूज द ऑक्यूपेशन, आपके पास राइट है। और एक और चीज़ कि नो वन फोर्स यू टू डू दैट जॉब, सर्टेन जॉब फॉर द वुमेन्स, ब्रैकेट में वुमेन लिखा हुआ है। अब ये समझो आप कि कोई भी इंसान आपको नौकरी करवाने के लिए फोर्स नहीं कर सकता है, क्यों, क्योंकि राइट टू ऑक्यूपेशन के अंतर्गत आता है। अब यहाँ पे आपको टिपिकल एक चीज़ याद रखनी है कि ये आपके फंडामेंटल राइट्स के अंदर तो आता है, पर ये आपके लेबर्स लॉ से ऊपर नहीं है। क्लियर? लेबर्स लॉ कब होता है, लेबर्स लॉ टिपिकल कॉरपोरेट फील्ड का एक टर्म है, लेबर्स लॉ, ठीक है। अब जब आपका लेबर्स लॉ है ना, आप जब कॉर्पोरेट फील्ड में अगर आप हो और आप अगर ने आपने वो नाम नहीं सुना है
तो हो सकता है कि आपको उसके बारे में इतना कुछ नॉलेज ना हो, बट आपको इतना बता देता हूँ कि जिस तरीके से किसी भी फंडामेंटल राइट्स पूरे देश में इंप्लीमेंट होते हैं ना, उस तरीके से कॉरपोरेट फील्ड के अंदर लेबर लॉ इंप्लीमेंट होता है कि कितने टर्म कितने टाइम में क्या क्या सिचुएशन किस तरीके से रहना है, कितनी पेनल्टी लग सकती है, किस तरीके से उस पूरे फील्ड का बैकग्राउंड क्या क्या होना चाहिए, इनडायरेक्टली ए टू जेड। अगर आप कॉरपोरेट फील्ड में हो तो आप लेबर लॉ से वाकिफ होंगे, आपका पीएफ बीओ आपकी सैलरी सीटीसी एनीथिंग एवरीथिंग पॉलिसीज एंड टर्म एंड कंडीशन सब कुछ लेबर लॉ के अकॉर्डिंग सब कुछ साइन आउट होता है। जितनी बड़ी बड़ी कंपनी होती है वो लेबर लॉ को फॉलो करके ही चलती है। क्लियर ओके, याद रखना ये चीज़ चलती है। बट आपको कोई भी कंपनी या फिर कोई भी इंसान आपको फोर्सफुली आपसे एक सर्टेन जॉब नहीं करवा सकता है। अगर आप उस चीज़ के लिए प्रॉपरेबल रिलायबल हो, आपको करना है तो आप कर सकते हो, अदरवाइज आप उसको छोड़ सकते हो। दूसरी चीज़ कि बहुत कम्युनिटीज ऐसी होती हैं कि जो अपने ट्रेडिशन को फॉलो अप करवाने के लिए, अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए उनसे ज़बरदस्ती वो कामें करवाती हैं, तो वो आप उनसे नहीं करवा सकते। आगे बात करते हैं पर्सनल लाइबिलिटीज़ के बारे में। लाइबिलिटीज़ क्या होती है? देखो, पर्सनल लाइबिलिटीज़ आर एक्सपेक्टेड अकॉर्डिंग टू द प्रोसीड एस्टेब्लिश बाई द लॉ। नो पर्सन कैन बी किल्ड अनलेस द कोर्ट हैज़ बीन ऑर्डर टू डेथ सेंटेंस। अब आपके इसके अंदर एक एक इंसान को है ना बहुत प्रिविलेज मिलती है। किसको? मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूँ कि ऐसा इंसान जिसको इस देश के अंदर किसी का मर्डर करने पर भी उसको एक भी टाइप की सजा नहीं मिलती है, किसी का मर्डर करने पर भी उसको सजा नहीं मिलती है, बताए कौन? जेल के अंदर जल्लाद, जो जल्लाद होता है ना वो किसी को जब फांसी देता है ना तो वो टिपिकल एक क्राइम कमिट कर रहा है, ठीक है, एक वो टाइप का क्राइम कमिट कर रहा है, बट उसके पास ऑर्डर है, उसके पास सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का ऑर्डर है कि किल दैट पर्सन, उसको एक डेथ सेंटेंस दे दिया है कि उसको उड़ा दो, उसको मार डालो। क्लियर ओके। दूसरी चीज, नॉट एनी गवर्नमेंट ऑफिसर पुलिस ऑफिसर कांट बी अरेस्ट इन एनी सिचुएशन एट द एनी डिटर्मिनेशन, कि किसी भी पर्सन को लीगल जस्टिस के बिना उसको उठाना बहुत मुश्किल होता है। उसको उठा लेने के बाद क्या क्या चीज़ें पुलिस ऑफिसर को फेस करनी पड़ेंगी या पुलिस का क्या क्या कार्य होगा वो आपको बताता हूँ कि पर्सनल लाइबिलिटीज़ के अंदर ये चीज़ आपकी आपको याद रखनी है कि इन फ्यूचर आपको कोई आपने कोई कांड कर दिया या आपसे कोई कांड हो गया या आपको पता ही नहीं कि आपने क्या किया या आपके आपके घर के अंदर ऐसे कोई सिचुएशन आती है तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है। पहली चीज़ कि अ पर्सन हु इज़ अरेस्टेड, और कोई भी इंसान अरेस्ट हो रहा है या उसको कस्टडी में लिया जा रहा है तो उस इंसान को टिपिकल उसके साथ साथ जितने लोग उसको देख रहे हैं उन सबको उसका रीज़न बताना पड़ेगा कि हम इस इंसान को इस रीज़न से अरेस्ट कर रहे हैं। हाँ, कुछ सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि जहाँ पे आपको बताया नहीं जा सकता है, बट आपको एक शॉट में बताया जा सकता है कि हम इसको इस कारण से अरेस्ट कर रहे हैं। आपको पूरा रीज़न नहीं बता रहे, इट्स ओके, बट आपको शॉर्ट में बता देंगे कि भाई हम इसको राजद्रोह के आरोप में अरेस्ट कर रहे हैं। अब कौन सा उसने राजद्रोह किया हुआ है, अब वो आपको पता होना चाहिए या फिर जिसने राजद्रोह किया उसको पता होगा। क्लियर, तो अब वो आपका काम है, क्योंकि अगर वो वहाँ पे उस राजद्रोह को एक्सप्लेन करने रहेंगे कि आपके बेटे ने ये किया था, यहाँ से ये किया था, यहाँ से वो किया था, वो उसका काम नहीं है। पुलिस का काम कितना है कि उस इंसान को अरेस्ट करना है। अरेस्ट करने के बाद क्या करना है, उसको नियरेस्ट माइग्रेट मतलब अपने जो नियरली उसके आसपास के कोई भी पास में मजिस्ट्रेट के सामने उसको 24 घंटे के अंदर उसको रिप्रेजेंट करना है और मजिस्ट्रेट के सामने बताना है कि हमने इसको क्यों अरेस्ट किया, उसका रीज़न क्या है। क्लियर, और वहाँ पे वो मजिस्ट्रेट को दिखाते हैं कि हमने इस एक रीज़न के हिसाब से इसको अरेस्ट कर लिया है। क्लियर ओके। अब उस 24 घंटे के अंतर्गत जो कस्टडी में इंसान है उसके पास राइट है कि वो अपने लॉयर से कंसल्ट कर सकता है, उसके पास लॉयर नहीं है तो वो अपने ओन डिफेमेशन के लिए, अपने ओन डिफेंस के लिए किसी भी लॉयर को हायर कर सकता है। क्लियर, ये हो गया पर्सनल लाइबिलिटीज के अकॉर्डिंग आपके 3 लॉ जो आपको फॉलो करने हैं अगर आपको गवर्नमेंट या फिर पुलिस ऑफिसर आपको अरेस्ट करती है तो। ओके, आगे बात करते हैं तीसरी चीज़ कौन सी है, राइट अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन, जिसके अंदर आपके 2 चीज़ आती है कि राइट टू लिबर्टी एंड राइट टू इक्वालिटी इज ग्रांटेड, दोनों चीज़ें आपको मिल जाती हैं। दूसरी चीज़, हमने राइट टू एक्सप्लॉयटेशन ये हमने इसलिए यूज़ किया, क्लियर, कि राइट टू एक्सप्लॉयटेशन हमने ये इसलिए यूज़ किया कि जिसके अंदर स्पेसिफिकली जो वीक सेक्शंस थे
उनको क्लियरली मेंशन किया गया और उनको बोला गया कि आपको इन चीज़ों को नेसेसरी राइट डाउन करना पड़ेगा। सर्टन चीज़ों के अंदर प्रोहिबिट हमने बनाया, हमने लॉ तो क्रिएट किया, हमने आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट, हमने सब कुछ क्रिएट कर दिया, बट कुछ चीज़ें ऐसी थी जो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट में भी वो चीज़ें हो रही थी, ठीक है। तो उनमें क्या क्या चीज़ें थी, उनमें बेसिकली तीन चीज़ें थी, थ्री स्पेसिफिक एवल्स, एक तीन ऐसी चीज़ें हैं कि जो उन्होंने फंडामेंटल राइट्स में डाल दी। क्यों डालनी पड़ी, क्योंकि इसके ऊपर इनडायरेक्टली बहुत ज़्यादा ऐसा ध्यान आ रहा था कि लोगों ने ना इसको एक धंधा बना लिया था। जैसे कि पहला धंधा था कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग, बच्चों को और औरतों को बेचा जाता था साउथ इंडियन कंट्रीज़ के अंदर, क्लियर। यहाँ से एक छोटी सी बच्ची को, 12 साल 14 साल की बच्ची को, 18 साल की बच्ची को, जस्ट इमेजिन करो कि जिस लड़की ने आज ज़िंदगी को जीना सीखा है, उस लड़की को यहाँ से किडनैप करो, उसको अलग अलग चीज़ों का झाला सा देखे, उसको ऐसा समझा कि भाई तेरी फैमिली को अच्छा खाना मिल जाएगा, तेरी फैमिली सिक्योर हो जाएगी, उनका अच्छा भविष्य बन जाएगा, उसको यहाँ का लालच देके दुबई के अंदर भेजा जाता था और वहाँ पे जाके उसकी सिचुएशन एज ए प्रोस्टिट्यूट से काम करवाया जाता था, क्लियर। और ये क्या हुआ, एक टाइप का ह्यूमन ट्रैफिकिंग हुआ, चिल्ड्रंस को लिया जाता था। इस चिल्ड्रंस की ट्रैफिकिंग तो आज भी हमको नोटिस मिलती है, आप गूगल बना के सर्च कर लो ह्यूमन ट्रैफिकिंग केस इन इंडिया, आपको देखने को मिल जाएगा कि भाई कितने केसेस चलते हैं आज भी, क्लियर। तो उसके ऊपर फंडामेंटल राइट्स ने आके अपना हाथ डाला कि भाई अब से ये फंडामेंटल राइट्स में आएगा कि किसी भी इंसान की ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं की जाएगी, अगर की जाएगी तो वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के अंदर वो केस जाएगा, क्लियर। ओके, ये पहली चीज़ थी। सेकेंड चीज़ आई कि किसी भी इंसान को बैगर, जो बैगर होता है ना, उसको फोर्सफुली आप उससे काम नहीं करा सकते हो। मोस्ट ऑफ क्या होते थे, मोस्ट ऑफ जो बैगर्स के मास्टर होते थे, उसके मालिक होते थे, उसके पास से सारा का सारा काम फ्री में करवाते थे और उसको सिर्फ दो टाइम का खाना खाने के लिए देते थे। बट आप उनसे काम करवाओगे तो आपको उनको एक लिविंगहुड, एक लाइवलीहुड का पैसा देना पड़ेगा, जिससे कि वो सांस ले पाए, वो खाना खा पाए, वो खुद से अपनी ज़िंदगी को जी पाए। आपको उतने पैसे तो उनको देने पड़े, कंपलसरी है, क्लियर। तीसरी चीज़, चाइल्ड लेबर्स को प्रोहिबिट किया गया कि चाइल्ड लेबर्स के, उनको चाइल्ड लोगों को एक भी, उनके वो 6 साल से 14 साल तक उनको कंपलसरी एजुकेशन देना पड़ेगा आपको, और वो लोग किसी भी फैक्ट्री, माइंस या फिर हार्ड इन वर्किंग जोन, जैसे कि रेलवे या फिर पोर्ट्स में यहाँ पे काम करते हुए देखने नहीं मिलने चाहिए। अगर वहाँ देखने को मिलते हैं तो उस एक्स वाई जेड कंपनी या फिर एक्स वाई जेड कॉरपोरेशन के खिलाफ लीगली नोटिस और कार्रवाई की जाएगी विद द प्रूफ। और यहाँ जब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की बात आती है, याद रखना कि उस टाइम पे वो कंपनी या फिर कॉरपोरेशन के अंदर शट डाउन भी हो सकता है, ठीक है। इसके अंदर अलग अलग प्रोविजन दिए हुए हैं, अगर उस पर डिपेंड करता है कि फ़ाइन लगता है तो फाइन के बाद कंपनी के ऊपर हर एक चीज़ की बहुत ज़्यादा नोटिसेबल हो जाती है। अगर वो नोटिसेबल नहीं होता है तो याद रखना उसको, उस कंपनी को शट डाउन करना पड़ता है, फिर उसके खिलाफ बहुत लंबा लीगल प्रोसेसन करवाना पड़ता है, क्लियर। ओके, तो ये कुछ आपके तीन प्रकार के एक्सप्लोरेशन थे जो आपको पढ़ने बहुत ज़रूरी होते हैं। ओके, चौथा है आपका राइट टू फ्रीडम ऑफ द रिलीजन्स। आपके पास राइट है कि आप किसी भी एक रिलीजन को प्रोसेस, प्रैक्टिस और प्रोपेगेंडा आप उस पर्टिकुलर रीजन के साथ कर सकते हो। आज अगर मुझे अपने रिलीजन के खिलाफ कोई बात करनी है तो मैं नहीं कर सकता हूँ, मुझे किसी और के रिलीजन के बारे में बात खिलाफ बात करनी है मैं नहीं कर सकता हूँ, क्लियर। क्यों, क्योंकि वो हमारे राइट्स में लिखा हुआ है, ठीक है। एवरी रिलीजन ऑफ ए ग्रुप ए सेट अ फ्री मैनेज्ड अ रिलीजन अफेयर्स। मेरे पास मेरे रिलीजन्स को अफेयर्स के रूप में यूज़ करने के लिए, मतलब कि उसके अंदर सब कुछ मैनेजिंग करने के लिए हर एक इंसान को एबिलिटीज़ है, उसके पास राइट है कि वो अपने पर्टिकुलर रिलीजन्स को सेव करना या उसके अंदर हर एक चीज़ को मैनेज करना, उसके पास उसके राइट्स हैं। तीसरी चीज़ कि फ्रीडम टू अ प्रोपेगेंडा वन रिलीजन्स डज नॉट मीन दैट द पर्सन हैज़ अ राइट टू कंप्लेन अदर पर्सन टू कन्वर्ट इन टू हिज रिलीजन्स बाय हिम इन अ फोर्स और फ्रॉड, ठीक है। याद रखना, आप अपने रिलीजन के खिलाफ प्रोपोगेंडा फैलाओ, आपको कोई मना नहीं कर रहा है। आप चाहते हो कि आप एक्स वाई जेड कम्युनिटी के लोग एक्स वाई जेड कम्युनिटी में कन्वर्ट हो जाएं, कौन मना कर रहा है, कराओ, कौन मना कर रहा है। बट वहाँ पे आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन कर रहे हो,
किस तरीके से उल्लंघन कर रहे हो कि फंडामेंटल राइट्स के अंदर लिखा हुआ है कि आप एज ए ऑन द बेसिस ऑफ द रिलीजन किसी को फोर्स नहीं कर सकते हो, किसी का फ्रॉड नहीं कर सकते हो कि आप इस टिपिकल एक्स वाई जेड रिलीजन से कन्वर्ट होके किसी और रिलीजन में जाओ, ठीक है, वो आपका फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन है, उसमें खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के अंदर अपील कर सकते हो और उस इंसान के सामने उस इंसान की पूरी ज़िंदगी वो कभी जेल से बाहर निकलेगा नहीं, याद रखना आपके पास उतनी पावर्स हैं, ठीक है। तो रिलीजन पावर्स बहुत सेंसिटिव मुद्दा है जिसके ऊपर मैं बात कभी आपको डिटेल्स में करूँगा कि रिलीजन जो चीज़ है ना वो बहुत टिपिकल और बहुत सेंसिटिव मुद्दा है, इसको मैं इतनी ज़्यादा बातें नहीं कहता हूँ। मैं बोलता हूँ, यूज़ करता हूँ एक्स वाई जेड टर्म, क्यों, मुझे पता है कि मेरी छोटी से छोटी बात एक बहुत बड़ा इफेक्ट कर सकती है बहुत बड़ी कम्युनिटी को, इसलिए मैं हमेशा यूज़ करता हूँ एक्स वाई जेड नाम्स, ठीक है। मैं किसी भी रीजन को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी भी रीजन का विरोध नहीं कर रहा हूँ, क्लियर। दूसरी चीज़ कि पर्सन कैन डू वॉट एवर ही वॉन्ट्स टू इन द नेम ऑफ द रिलीजन डज नॉट मीन्स कि उस रिलीजन के अंदर वो जाके कुछ भी करना शुरू कर दे ऑन द नेम ऑफ द धर्म, क्लियर। अब आपको मैं ये टिपिकल चीज़ बता देता हूँ, मुझे किसी मुसलमान लोगों से कोई विरोध नहीं है, मेरे लिए हर एक कम्युनिटी सिंपल सिक्योर है, हर एक इंसान मेरे लिए कॉमन है, हर एक चीज़ हर एक धर्म की मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। बट जो पाकिस्तान अपने लोग जो टेररिस्ट का ब्रेन वॉश करके ऐसे रिलीजन के नाम पे भेजता है वो नहीं करना चाहिए उसको, राइट। तो ये इस टिपिकल चीज़ में लिखा हुआ है कि आपको अपने धर्म में साथ रहना है, आप रहो, बट आप उस धर्म का यूज़ करके किसी भी और इंसान को हार्मफुल इफेक्ट नहीं पहुंचा सकते ऑन द नेम ऑफ द रिलीजन्स, क्लियर, ओके। तीसरी और सॉरी अंतिम लास्ट चीज़, जो पांचवी चीज़ है, सबसे लास्ट चीज़ है, वो कौन सी है, द एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स कांट बी यूज एज अ बलि, आप उनकी बलि नहीं चढ़ा सकते हो, ह्यूमन बींग्स हो गए या फिर एनिमल्स से उनकी आप टिपिकल बलि नहीं चढ़ा सकते हो। फॉर एग्जांपल आज भी लोग चढ़ाते हैं क्योंकि वो उनका रिलीजन्स राइट्स के इंक्लूड हो जाता है, क्लियर। हाँ, धर्म के अंदर भी आपके बहुत ज़्यादा आपको अलग से प्रोविजन दिए हुए हैं कि अगर आप इफ़ यू हैव बिलोंगिंग, जैसे कि सरदार जी होते हैं उनको कटार रखने की परमिशन है, ठीक है, वो कटार रख सकते हैं, वो किसी भी जगह पर ट्रैवल कर रहे हैं वो उनको कटार रखने की परमिशन है, क्यों, क्योंकि वो फॉलो अप करते हैं इंडियन रिलीजन्स के राइट्स को, ठीक है। अब उसी के तरीके से हर एक रिलीजन्स के अंदर अलग अलग स्पेसिफाई किया हुआ है, जैसे कि कुछ कम्युनिटीज़ ऐसी हैं जहाँ पे उनको ये कहा है कि आप इस टिपिकल वस्त्र को पहन सकते हो, ये आपके राइट्स हैं, अब उस वस्त्र को पहन के वो ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर घूमें या फिर इंडिया के अंदर घूमें, मैं बोलता हूँ वर्ल्ड छोड़ दो, वो अगर खाली इंडिया के अंदर घूम रहे हो और किसी भी एक्स वाई जेड कम्युनिटी ने या एक्स वाई जेड मंदिर ने, एक्स वाई जेड रिलीजन्स ने, एक्स वाई जेड इंसान ने उसको रोक लिया कि आप ये कपड़े पहन के यहाँ नहीं आ सकते हो, याद रखना वो उसके फंडामेंटल रिलीजन्स राइट्स का उल्लंघन है, उसके खिलाफ उस टाइम पे वो इंसान आराम से केस कर सकता है, क्लियर, ओके। तो रिलीजन आपको इतनी पावर्स देता है, ओके। दूसरी बात हम बात करते हैं जो उसका सेकंड पॉइंट है जो आपका इसका बात हम करते हैं, सेकुलरिज्म। अब सेकुलरिज्म के बारे में हमने ऑलरेडी बहुत डिटेल से बात कर दी है कि इंडिया किसी एक धर्म को नहीं मानता है, वो सारे धर्म को साथ साथ मानता है, इंडिया के अंदर कोई भी ऑफिशियल धर्म नहीं है, इंडिया इज़ ए सेकुलर स्टेट, जो हर एक स्टेट हर एक पर्टिकुलर रिलीजन्स को सपोर्ट करता है, इक्वल राइट्स देता है सबको, क्लियर। दूसरी चीज़ कि गवर्नमेंट ने ये पे आउट निकाला हुआ है कि किसी भी तरीके से रिलीजन्स के ऊपर कोई भी टाइप का टैक्स अवेलेबिलिटी नहीं होगी, इसलिए आपको मोस्ट ऑफ केस में आपको सुनने को मिलता होगा कि इस मंदिर के अंदर इतना पैसा है, इस मंदिर के अंदर इतना पैसा, किसी अननोन दाता ने 100 करोड़ का दान दे दिया, किसी अननोन दाता ने 200 करोड़ का दान दे दिया। तो याद रखना जब किसी भी इंसान को कहीं पे भी टैक्स लाइबिलिटीज़ में फ्री आउट टैक्सेशन मिलता है तो वो इंसान उस चीज़ का फुल्ली फ़ायदा उठाता है और वो बिंदास फ़ायदा उठाते हैं, क्लियर, क्योंकि मंदिर को कोई टैक्स देना नहीं है। अब वो उसके पास पैसा पड़ा है, उसने वहाँ पे डोनेट कर दिया, अब बहुत लोग उसका ब्लैक एंड वाइट में यूज़ कर लेते हैं, बहुत लोग ब्लैक एंड वाइट में यूज़ नहीं करते हैं, कुछ लोग होते हैं, सपोज़ कि मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ कि किसी इंसान के पास 1 करोड़ पड़ा है, अब उस 1 करोड़ के ऊपर उसको 33% टैक्स देना है, 33% से लेके 35% उसको टैक्स देना है, तो इंडायरेक्टली उसकी इनकम का अप्रोक्सी कितना कह सकते हैं हम लोग, 65 उसके पास 60 लाख रुपीस के आसपास बचा हुआ है, क्लियर, ओके। अब वो किसी ऐसे ट्रस्ट को पकड़ता है जो मंदिर चलाता है, अब उस ट्रस्ट को बोलेगा कि मैं आपको 1 करोड़ दूंगा
उसके सामने मैं आपको 10 लाख रुपए का डोनेशन दूंगा और 5 लाख रुपए मैं आपको ऐसे आपकी फीस चार्ज के लिए आपको 5 लाख रुपए दूंगा, बाकी 5 लाख रुपए आपके मैनेजमेंट के रूप में आपको 5 लाख रुपए दूंगा, मैं आपको 20 लाख रुपए दूंगा। उसके सामने आप मेरे को चिट्ठी एक चिट्ठी बना के दो जिसके अंदर आप ये लिखो कि आपने मैंने आपको 1 करोड़ का डोनेशन दिया। जब वो इंसान उसको 1 करोड़ का डोनेशन लेके देता है कि मैंने इस एक्स वाई जेड ट्रस्ट के नाम पे उसको मैंने 1 करोड़ का डोनेशन दे दिया, अब होगा क्या कि ऑन पेपर तो दिखेगा कि 1 करोड़ का डोनेशन है, पैसा खाते में आएगा भी ज़रूर, पर उस खाते से वो पैसा निकलेगा और उस टाइम पे वो चैरिटेबल ट्रस्ट क्या करेगा, इनडायरेक्टली उस पैसे को दिखाएगा कि हमने इसको यहाँ पे ये चीज़ों का यूटिलाइज़ करने के लिए या फिर इन चीज़ों का डेवलपमेंट करने के लिए इन पैसों को यूज़ कर दिया, और उन पैसों को वहाँ पे वो डाइवर्ट कर देगा और वहाँ से वो पैसा पूरा का पूरा ब्लैक से वाइट बन के वाइट प्योरली वाइट बन के निकल जाएगा। क्लियर? मोस्ट ऑफली जो कॉन्ट्रैक्टर्स वगैरह होते हैं वो इस ट्रिक का यूज़ करते हैं अपने पैसे को ब्लैक से वाइट में कन्वर्ट करने के लिए। क्यों? उनके पास ऑलरेडी ब्लैक का बहुत पैसा पड़ा होता है, वो मंदिर के साथ टाई अप करते हैं, वो कहते हैं कि हम आपको इतना डोनेशन देंगे, हम आपका इतना इतना पैसा आपका उसमें दे देंगे, उसके सामने आप यहाँ पे जाके कोई भी डेवलपमेंट का जोन की कोई फाइल रख देना और आप इसके कंस्ट्रक्शन के रूप में आप इसको यूटिलाइज कर लेना। देखो ये कुछ ऐसे केसेस हैं जो दबे पड़े हैं, ठीक है, इनको इनके बारे में कोई बात नहीं करता है, बट मैं कहता हूँ हर एक धर्म हर एक इंसान अलग इंसान होता है, कुछ लोग होते हैं, कुछ लोग ही बात कर रहा हूँ, सारे लोग एक जैसे नहीं होते हैं, याद रखना। मेरे जो गुरुजी हैं वो एक अलग इंसान है, वो इंसान इतने सिक्योरली हैं, इतने इतने मतलब इतने पहुँचे हुए इंसान हैं कि उन्होंने मुझे धर्म के बारे में बहुत अच्छा ज्ञान दिया हुआ है। उन्होंने मुझे हमेशा कहा है कि देखो हर बेटा हर एक धर्म सही है, हर एक धर्म में जो चीज़ लिखी है वो सारे के सारे सही चीज़ें हैं, अपना धर्म भी सही है तो दूसरों का धर्म भी सही होगा, ठीक है, डिपेंड करता है उसका देखने का नज़रिया। क्लियर? जब देखने का नज़रिया बदलता है ना, जैसी वो कहते हैं ना कि जैसी आँख होती है वैसा आप देखते हो, मेरे सामने अगर कोई इंसान खड़ा है तो हो सकता है कि मुझे उस इंसान के पीछे की चीज़ भी दिख रही होगी और आगे की चीज़ भी दिख रही होगी, साइड की चीज़ भी दिख रही होगी, मुझे उसकी परछाई भी दिख रही होगी, और आप खड़े होंगे तो हो सकता है कि आपकी नज़र से उसकी परछाई नहीं दिख रही होगी, राइट? तो डिपेंड करता है कि आप किस जगह पे खड़े हो और किस जगह से किस आँख से उस चीज़ को देख रहे हो, ठीक है। तो सेक्युलरिज्म का मतलब क्या होता है कि इंडिया के अंदर हर एक आँख से आप अगर देखने जाओगे ना तो आपको कुछ ना कुछ खामी देखने को मिलेंगी, इसलिए इंडिया ने डिसाइड किया कि इंडिया के अंदर कोई भी रिलीजन्स नहीं होगा, सब इक्वल रहेंगे। क्लियर? आगे बात करते हैं कल्चर एंड द एजुकेशन राइट्स। कल्चर एंड एजुकेशन राइट्स मतलब सिंपल सी बात है, ये हमें क्यों डालना पड़ा, क्यों? क्योंकि वर्किंग ऑफ ए डेमोक्रेसी गिविंग अ मेजर पावर टू द मेजोरिटी पीपल्स, ठीक है, जो बड़े बड़े लोग थे उनको बहुत ज़्यादा पावर मिल चुकी थी। लैंग्वेजेस कल्चर्स एंड द रिलीजन्स आर इन द माइनॉरिटीज नीड अ स्पेशल प्रोटेक्शंस। कौन से? जो आपके माइनॉरिटीज में पीपल्स थे, जो माइनॉरिटीज में आपके आज भी कुछ कास्टेज वगैरह हैं, उनको प्रिविलेज मिले, उनको प्रोटेक्शन मिले, इसलिए उनको लैंग्वेज के रूप में, उनके रिलीजन्स के रूप में, उनके कल्चर्स को बचाने के लिए इन लोगों ने इस चीज़ का यूज़ किया। इस चीज़ का यूज़ इसलिए किया क्यों? क्योंकि इनको राइट्स दिए गए कि भाई ये अपने खुद की एजुकेशन संस्थाओं को खोल सकते हैं, ये किसी भी इंसान को अपने अपने उस इंस्टीट्यूट्स के अंदर टिपिकल उस चीज़ को फॉलो करने के लिए फोर्स नहीं कर सकते हो, ठीक है। आपने भी देखा होगा बहुत जगह पे, कहीं पे आपको मुसलमान के स्कूल्स दिखेंगे, आपको हिंदू के पर्टिकुलर स्कूल दिखेंगे, आपको जेंट्स के स्कूल देखने को मिलेंगे, आपको सिंधी होते हैं आपको उनके स्कूल्स देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। ऐसे स्वामीनारायण स्कूल्स होते हैं, राइट। तो टिपिकल चीज़ें होती हैं जिसके अंदर आप अपने कल्चर्स को और एजुकेशन को दोनों को प्रमोट कर सकते हो, क्लियर। बट हाँ, उसका एक इफेक्ट होना चाहिए कि उसमें देश का विकास होना चाहिए, ठीक है। अगर आप उस चीज़ को यूज़ करके अगर देश के अगेंस्ट में कोई चीज़ करना चाहते हो तो वो चीज़ आपकी प्रोहिबिट गिनी जाएगी और आपको उसके खिलाफ आप जेल में भी जा सकते हो, क्लियर। ओके, आगे बात करते हैं। जो आपका लास्ट पॉइंट है कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, अब ये आपका सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। क्यों इम्पॉर्टेंट पार्ट है? तो पहली लाइन ध्यान से पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा। द फंडामेंटल राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन आर गिवन अ इम्पॉर्टेंट बिकॉज दे आर द इन्फोर्सेबल। अब जितनी कुछ लिखी चीज़ें हैं उन्हें तो कोई ना कोई इम्प्लीमेंट करने के लिए कोई ना कोई चीज़ तो चाहिए, राइट।
अगर मैं ये पेपर में लिख के देता हूँ कि भाई ये ज़मीन मेरी है, सपोज़ कर लो मैं लिख के देता हूँ कि भाई मैं जहाँ पर रहता हूँ उसके बाहर एक ज़मीन है, छोटा सा टुकड़ा है 100 गज का, सपोज इट मान लो 100 गज की ज़मीन, 100 गज छोटा ज़्यादा हो गया, मैं बोलता हूँ 1 किलोमीटर, तो 1 बीघे की ज़मीन है, 1 बीघा छोड़ दो, मैं बोलता हूँ 10 मीटर की ज़मीन, चलो 10 मीटर की ज़मीन है, छोटी सी, एकदम छोटी ज़मीन है, खाली 2-3 उंगली की ज़मीन है, चलो ठीक है, और मैं चाहता हूँ उस उंगली की ज़मीन मेरी हो जाए, तो वो ज़मीन को करने के लिए मेरे को पूरा का पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा, मेरे को रेवेन्यू डिपार्टमेंट से ज़मीन डिपार्टमेंट से लेके मेरे को डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर तक पहुँचने के लिए, नीचे आपका डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर हो गया, तालुका डेवलपमेंट ऑफिसर हो गया, रेवेन्यू डिपार्टमेंट ऑफिसर हो गया, लैंड रिवेन्यू डिपार्टमेंट ऑफिसर हो गया, वहाँ से जाते हुए कलेक्टर, कलेक्टर से IAS, इतना लंबा प्रोसेस करने के बाद वो छोटा ज़मीन का टुकड़ा मेरे नाम पर चढ़ेगा, क्लियर। अब वही चीज़ होगी आपके फंडामेंटल रेमेडीज़ के अंदर, समझ में आया, क्यों कि आपने फंडामेंटल्स को लिख तो दिया, अब इसको मानेगा कौन, तो उसको मनाने के लिए एक लास्ट में ऐड कर दिया, क्या लिख दिया कि कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ को हर इंसान के ऊपर इक्वल डिवाइड की जाएगी, हर एक इंसान के ऊपर इक्वल रहेगी, और कोई इंसान इनको वायलेट करता है तो वो फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन गिना जाएगा, और उस वो इंसान सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में अप्रोच कर सकता है, क्लियर, ओके। अब याद रखना कि कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ के अंदर ये कहा गया है कि कोई भी इंसान सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के अंदर अप्रोच कर सकता है, क्यों, क्योंकि हम लोग ने इसके अंदर ऐसी चीज़ इंक्लूड की कि हमने उसको ऑलरेडी 5 राइट्स दे दिए थे, अब 5 राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए हमको कोई ना कोई चीज़ तो चाहिए ना, तो उस 5 राइट के प्रोटेक्शन के लिए हमने 6th राइट, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ को इंक्लूड किया, जिसने ये प्रूफ किया, जिसने ये बताया कि अगर ऊपर के 5 कायदे कोई भी उसके वॉयलेशन में जाता है, कोई भी उसको प्रोहिबिट करता है, कोई भी उसके अगेंस्ट जाता है, कोई भी आपके फंडामेंटल राइट्स को छीनता है आपसे, तो आप जा सकते हो इनडायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में अंदर जाके उसका अप्रूवल ले सकते हो, उसमें अप्रोच कर सकते हो। इसके साथ साथ आपको एक चीज़ याद रखनी है कि डॉक्टर अम्बेडकर जी ने ये कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज द हर्ट एंड द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हृदय मतलब हृदय आपका दिल और आत्मा वो आपका कॉन्स्टिट्यूशन की कौन सी चीज़ होगी, तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज वो आपके इनडायरेक्टली पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन की एक दिल है और आत्मा दोनों चीज़ हैं, क्लियर। आगे बात करते हैं राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी हमेशा याद रखना कि अंडर आर्टिकल नंबर 9 और अंडर आर्टिकल नंबर 19 से 31 के बीच में था, उन दोनों में चीज़ में दिया हुआ था, बट राइट टू प्रॉपर्टी के एक्ट को हमने 44 अमेंडमेंट मतलब 44 सुधारे के साथ 1978 में उसको निकाल के उसको लिस्ट में डाल, उसको राइट फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स उसको निकाल के हमने उसको लीगल राइट में कन्वर्ट करके उसको डाल दिया आर्टिकल नंबर 30A के अंदर, ठीक है। अब वो प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट अब हो चुका है लीगल राइट, ठीक है, क्योंकि इसका बहुत मिसयूज़ किया जा रहा था और मिसयूज़ ज़्यादा, उसका कोई लीगल फॉर्म नहीं था, समझो मैंने आपको जो ज़मीन वाला एग्जांपल दिया ना, अगर राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट होता ना तो इसके ऊपर किसी का भी राइट बन जाता, समझ रहे हो, कि मैंने सब कुछ खड़ा कर दिया और 2-3 दिन के बाद आके बोले कि नहीं नहीं वो 2 मीटर की ज़मीन मेरी है, देख भाई ये राइट टू प्रॉपर्टी का एक्ट मेरे पास है, ये रहा चले ले, तो क्या करोगे, तो अभी राइट टू आर्टिकल नंबर जो 30A था ना ये सपोर्ट में आया कि भाई उसको वहाँ से फंडामेंटल राइट से निकाल के उसको इनडायरेक्टली लीगल में कन्वर्ट कर दो, जिससे कि वो 30A के अंदर रहेगा और वो लीगल राइट रहेगा, तो राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट को वहाँ से निकाल के यहाँ रख दिया। आगे बात करते हैं राइट टू एजुकेशन, ये आपका आता है आर्टिकल नंबर 21A के अंदर, इसके अंदर क्या कहा है कि इंडिया ने पूरे के पूरे वर्ल्ड के अंदर एक ऐसी ट्रीटी साइन की है जिसका ये फाउंडेशन है कि एवरी स्टूडेंट गेट द प्रॉपर नॉलेज, एवरी स्टूडेंट गेट द एजुकेटेड फ्रॉम द एज ऑफ द 6 to 14, उसके अंदर उसने ट्रीटी को साइन किया गया है, और ये फोर्स में कब आया था, 1 अप्रैल 2010 को ये चीज़ को फोर्स में लाया गया कि हर एक इंसान को, अगर हर एक बच्चे को, इंसान हर एक बच्चे को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन मिलना चाहिए जो वो 6 साल से 14 साल तक बच्चा है तो, क्लियर, और वो उसका फंडामेंटल राइट होगा। सिक्योरिंग द फंडामेंटल राइट्स, कोई भी लॉ, कोई भी एक्शन ऐसा लगे कि जो वो आप में, मैं बोलता हूँ अगर फंडामेंटल राइट्स के अंदर किसी इंसान ने, गवर्नमेंट ने, मैं आपको बताता हूँ, गवर्नमेंट ने, किसी इंसान ने, किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय ने,
इन तीन इंसानों में से किसी भी इंसान ने आपके किसी भी फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट में आपने कुछ भी कर दिया है, कुछ भी, ठीक है, आप चल के जा रहे थे हो और आपको राइट टू फ्रीडम के चक्कर में आपको बोल दिया कि आप इस प्रॉपर अलग रिलीजन से बिलोंग करते हो इसलिए आप इस रोड पे नहीं चल सकते हो, तो वो याद रखना, वो रोड एक पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा है, उस रोड के ऊपर गवर्नमेंट का हक है, उस रोड के ऊपर फंडामेंटल राइट्स का हक है, अगर आप उस पर चलना चाहते हो और आपको कोई चलने से रोक रहा है, मतलब आपका राइट टू फ्रीडम का उल्लंघन हो रहा है और आप उसके खिलाफ PIL या फिर कोर्ट के अंदर जाके आप उसको अपील कर सकते हो, समझ में आ गया, को आपको इतनी पावर मिली हुई है, सुप्रीम कोर्ट या हाईकोर्ट के अंदर आप जा सकते हो। ओके, आगे बात करते हैं कि नेशनल राइट्स कमीशन, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन NHRC इस्टेब्लिश हुआ था, याद रखना ह्यूमन राइट्स कमीशन का दूसरा नाम होता है इंडिपेंडेंट कमीशन, ये इस्टेब्लिश हुआ था 1993 के अंदर और इस कमीशन के सब लोग जो अपॉइंटेड होते हैं वो होते हैं अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। इनका काम क्या होता है कि हेल्पिंग द विक्टिम हु इज विक्टिड बाय द ह्यूमन राइट्स, उसके जो उसके ह्यूमन राइट्स को जो अपॉइंट कर रहा है उन सब के खिलाफ वो जाके उनकी हेल्प करते हैं। दूसरी चीज़ कि ह्यूमन राइट्स के जितने कमिश्नर्स होते हैं जो कुछ भी होते हैं वो डायरेक्ट टाइप हो चुके होते हैं UN प्रोसेस से, जो यूनाइटेड नेशंस हैं उनके साथ इनका इंटरनेशनल ट्रीटी साइन होती है, ठीक है, इंडिया हैज़ बीन साइन, तो इंडिया इनडायरेक्टली पूरे के पूरे वर्ल्ड के अंदर जो कुछ भी ह्यूमन राइट्स जो होते हैं उन सबको वो अप्लाई करता है अपने देश के अंदर, जितने भी ह्यूमन राइट्स जो इंडिया के अंदर हैं या वर्ल्ड लेवल पर हैं वो सबको कॉमन होंगे, क्लियर। हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती है ह्यूमन राइट्स की जो वर्ल्ड लेवल के ऊपर आके हमारे फंडामेंटल राइट्स को एक्सप्लोर कर सकती हैं, बट हमने उसके लिए भी हमारे फंडामेंटल राइट्स में एक चीज़ इंक्लूड की थी कि फंडामेंटल राइट्स पहले रहेंगे उसके बाद आपकी ह्यूमन राइट्स आएंगे, क्योंकि इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स को इस तरीके से क्रिएट किया गया था कि वो हर एक देश के अंदर एक बेसिक नीड्स को पूरा करें, ना कि उस पर्टिकुलर देश के अंदर ह्यूमन लोग राज करें, समझो डेमोक्रेसी के अंदर इनडायरेक्टली ह्यूमन बींग राज ही करते हैं बट ऑन पेपर आउट ऑफ द पेपर नहीं करते हैं, क्लियर। ओके, आगे बात करते हैं एक्सपांडिंग स्कोप ऑफ राइट्स। अब सिंपल सी बात है, जिस तरीके से टाइम टू टाइम जा रहा है अलग अलग जो राइट्स हैं आपके धीरे धीरे लाइमलाइट में आ रहे हैं, जैसे कि राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेस, राइट टू एजुकेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन। देखो राइट टू एजुकेशन मैंने आपको बता दिया कि हर एक इंसान को एजुकेट होना कंपलसरी है, 6 साल से 14 साल तक बच्चे को कंपलसरी एजुकेशन, फ्री एजुकेशन देना कंपलसरी है। आगे बात करते हैं राइट टू इंफॉर्मेशन, मतलब आप किसी भी गवर्नमेंट बॉडी के अंदर किसी भी फंक्शन को होते हुए किसी भी फंक्शन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या ऑफिसर के पास से उसका काम मंगवा सकते हो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के थ्रू। आगे बात करते हैं कि अगर उसके खास क्या था, आपका राइट टू एजुकेशन बता दें, मैं राइट टू फ्रीडम ऑफ प्रेस के बारे में बताता हूँ कि आपके पास एक फ्रीडम मिल जाती है कि आप प्रेस में कुछ भी कर सकते हो, हाँ बस उस प्रेस के अकॉर्डिंग आप किसी भी उसमें टिपिकल चीज़ें दी हुई हैं कि आप टिपिकल चीज़ों के ऊपर बातें नहीं कर सकते हो, जैसे कि आप किसी भी धर्म समुदाय के ऊपर टिपिकल कोई भी टिप्पणी नहीं कर सकते हो, अगर आप टिप्पणी करते हो तो उसका मतलब आपने किसी भी इंसान XYZ इंसान की फंडामेंटल रिलीजन राइट्स को एक्सप्लॉइट किया हुआ है तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, क्लियर। आगे बात करते हैं कि कुछ ऐसे राइट्स थे जिनको फंडामेंटल राइट्स को हमने उनको बाहर निकाल दिया, क्यों निकाला था वो मैंने आपको बता दिया, वो कौन कौन से राइट्स थे, जैसे कि राइट टू प्रॉपर्टी और राइट टू वोट इन इलेक्शन, दिस आर नॉट द फंडामेंटल राइट्स बट दिस आर द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, समझ रहे हो, ये चीज़ें कौन सी है कि जो कॉन्स्टिट्यूशंस के रूप में इसको राइट्स में रखा गया, इनको फंडामेंटल निकाल दिया, क्यों, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स के टाइम पे ये अपनी पावर्स को लूज़ कर रहे थे और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स में इनको फुल प्रिविलेज मिलता है अपनी पावर्स को यूज़ करने का। ओके, आगे बात करते हैं एक आपका जो एक और पॉइंट है जो आपको पढ़ना ज़रूरी है वो आपका है ह्यूमन राइट्स में। अब ह्यूमन राइट्स मतलब क्या होता है कि ह्यूमन राइट्स आर द यूनिवर्सल नॉर्मल क्लेम दैट बी मे और मे नॉट बी हैव रिकॉग्नाइज बाय द लॉ। मैंने आपको बता दिया नेशनल ह्यूमन राइट्स किस तरीके से वर्कआउट करता है, ये उसका टिपिकल अलग से टॉपिक है। इसके अंदर आपको एक चीज़ आपको जो पढ़नी है ना कि और कौन कौन से ऐसी चीज़ें हैं जो ग्रांटिनेट्स मतलब जो ऐसी पावर्स मिली हुई हैं, तो कौन कौन सी है कि राइट टू प्राइवेसी, एनी सिटीजन्स जो कोई भी राइट टू प्राइवेसी समझ लो, ठीक है, मैं आपको पूरा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ पर आपको इतना ये पढ़ लेना कि कोई चीज़ ऐसी हैं जो आपको हो सकता है मैं बताऊँ और आपको समझ में ना आए, मतलब ऐसी चीज़ें इतनी डिफ़िकल्ट चीज़ें नहीं हैं कि राइट टू प्राइवेसी मतलब किसी भी सिटीज़न
के होम को, उसके फ़ोन को टैपिंग करना, उसकी कम्युनिकेशंस को सुनना, उनकी हर एक चीज़ की, उनकी जो प्राइवेसी, उसको भंग करना इनडायरेक्ट। समझ में कि राइट टू प्राइवेसी मतलब होता है कि आप अपने तक रख सकते हो अपनी चीज़ें, उसमें कोई इंसान आके आपको आपके लाइफ में इंटरफेयर नहीं करेगा। राइट टू इन्वायरमेंट, आप अपने हिसाब से किसी भी हार्मफुल थिंग को और किसी भी हार्मफुल चीज़ों को प्रोडक्ट या फिर प्रोड्यूस नहीं कर सकते जो इन्वायरमेंट को हेल्थ करे, इन्वायरमेंट को हार्मफुल करे, या फिर आपसे उस चीज़ों से किसी भी इंसान की हेल्थ ख़राब हो। ठीक है, आपको सिर्फ अपने किसी भी इंसान के वेल बीइंग के लिए आपको काम करना है। दूसरी चीज़ कि राइट टू हैव एक्सेस टू द एंक्विटी हाउस, मतलब हर एक इंसान को एक प्रॉपर घर मिलना चाहिए, उसके पास अपनी लिविंग हुड्स की ज़िंदगी जीने का हक होना चाहिए। राइट टू एक्सेस द हेल्थ केयर सर्विसेज, सफिशेंट फूड्स, वाटर, नो वन हैज़ टू रिफ्यूज़ टू इन इमरजेंसी मेडिकल सिचुएशंस। ये सारे के सारे राइट्स आपको भी मिल सकते हैं, बट ये टिपिकल सिचुएशन कहाँ की थी, साउथ अफ्रीका की सिचुएशन थी। इसमें मोस्ट ऑफ द राइट्स हैं वो आज भी इंडिया के अंदर एक्सेसिबल हैं। क्लियर, ओके। और भी बहुत सारे राइट्स हैं आपके, राइट टू वर्क, राइट टू हेल्थ, राइट टू मिनिमम लिविंग हुड्स, राइट टू प्राइवेसी, दिस शुड बी एज ए फंडामेंटल राइट्स इन इंडिया, हमको लाने चाहिए, बट इंडियन गवर्नमेंट उसको लेके नहीं आते क्योंकि उनको पता है कि कुछ सिचुएशन इंडिया के अंदर हम लोग इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं। जैसे राइट टू मिनिमम लिविंग, क्या होता है कि आपको मिनिमम वेजेस मिलता है जब तक आप बेरोजगार हो। अब अगर मैं बोलूं आपको हर महीने 5,000 मिल रहे हैं, सपोज करो एक मिनिमम लिविंग के बारे में कि आप बेरोजगार हो, आप अनएम्प्लॉयमेंट हो, अनएम्प्लॉयमेंट भत्ता होता है, जैसे कि यूएस गवर्नमेंट अपने वहाँ के स्टूडेंट्स को देती है जब वो अनएम्प्लॉयड होते हैं, तो उनको मिनिमम अपना घर चलाने के लिए कुछ डॉलर्स मिलते हैं। ठीक है, उन डॉलर्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ घर चल सकता है। बट सपोज इट कि वही जो चीज़ें हैं वो इंडिया में आ जाए, तो मैं लिख के देता हूँ देश की 90% आबादी बेरोजगार बैठी बैठी घर में पड़ी रहेगी, वो कुछ कार्य नहीं करेगी, कुछ काम नहीं करेगी। समझ में आया आपको, वो ना होना वही बेटर है। क्लियर, ओके। आगे बात करते हैं, इंटरनेशनल कॉन्वेंस ऑन द इकोनॉमिक सोशल एंड द कल्चर रिफॉर्म। देखो, किसी भी इंटरनेशनल कॉन्वेंस ने ये रिकॉग्नाइज नहीं किया कभी भी कि किसी भी जिसको डायरेक्टली इंप्लीमेंट करोगे ना, तो बहुत सारा वास्ट कल्चर है। अब इंडिया के अंदर ही इतना पूरा वास्ट कल्चर है। साउथ के लोग अलग है, गुजरात के लोग अलग है, कश्मीर के लोग अलग है, आसाम के लोग अलग है, नॉर्थ इंडिया के दिल्ली के लोग अलग है, मिडल में आपके मध्य प्रदेश मुंबई वाले लोग अलग अलग है, बेंगलोर के सिटीज़ लोग अलग है, ये टिपिकल बिहार यूपी सब लोग डिफरेंट कल्चर्स में रहते हैं, राजस्थान लोग सब डिफरेंट कल्चर में रहते हैं, तो इनको अलग से रखना ज़्यादा बेटर है। क्योंकि अगर इनको फंडामेंटल राइट्स में लेके आओगे ना, तो आपको बहुत चेंजेस करने पड़ेंगे, और जब बहुत चेंजेस करने पड़ेंगे, सिंपल सी बात, आपको बहुत पढ़ना पड़ेगा, जब बहुत पढ़ना पड़ेगा तो बहुत कॉम्प्लिकेट चीज़ें अब हेड होंगी। ठीक है, वो ना हो इसलिए अच्छा है कि उनको इंटरनेशनल लेवल पर अलग से रखा गया है, उनको एज ए राइट नाउ ऐसा कोई ट्रीटी इंडिया ने साइन नहीं की है। क्लियर, हाँ, ऑल द ह्यूमन एक्टिविस्ट वांट्स दैट इंडिया विल स्टैंड ऑन द ह्यूमन राइट्स, वो एक पे खड़ा हो जाए और हर एक इकोनॉमिकली और सोशली और कल्चर हर एक राइट्स को इक्वल प्रोटेक्ट, मतलब इक्वली उनको राइट्स दे कि हाँ भाई ये सही इंसान है, इनको करना चाहिए। इसके अंदर एक और चीज़ है जो टिपिकल चीज़ें यूज़ की है, कौन कौन सी है कि राइट टू वर्क, राइट टू सेफ्टी एंड हेल्थ केयर वर्किंग कंडीशंस, राइट टू इक्वाइट, मैंने बता दिया आपको, सोशल एक देखो ये राइट टू सोशल सिक्योरिटी एंड द इंश्योरेंस, ये चीज़ें होनी चाहिए, राइट टू हेल्थ आपके पास है, राइट टू एजुकेशन ये भी आपके पास है। ठीक है, ये सब चीज़ें आपके पास ऑलरेडी इंडिया के पास हैं जो मैंने आपको बता दी हैं। समझ में आ गया, आई होप यहाँ से जितना कुछ आपको दिया हुआ है ना, फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटी समरी, जितने कुछ हमने अभी तक रामायण की ना, वो सारे के सारे इस छोटे से समरी में दिखा दी मैंने आपको। मैं चाहता तो मैं आपको इस समरी के थ्रू पूरा का पूरा चैप्टर सिर्फ 5-6 मिनट में पूरा कर सकता था, मैं वो नहीं करना चाहता, मैं आपको डिटेल्स में जाके मैंने आपको पूरा समझा दिया, जिससे कि इन फ्यूचर जब मैं 10th के लेक्चर्स लूँगा, जब मैं 10th में आपको पढ़ाऊँगा, तब मैं आपको उनमें डिटेल्स में नहीं जाऊँगा, तब मैं रेफ़र करूँगा कि आप इस 9th के वीडियो को डिटेल्स में देख लो। क्लियर, क्योंकि उस टाइम पे मैं 10th के अंदर वो टिपिकल पॉइंट टू पॉइंट बातें करूँगा, क्यों, जिससे कि आपको वो चीज़ समझ में आ जाए। क्लियर, ओके, इस लेक्चर में इतना ही, इसकी PDF नीचे अवेलेबल है, उसको डाउनलोड करना मत भूलना, उसको डाउनलोड कर लेना। क्लियर, आगे बात करेंगे किसी नए टॉपिक के साथ नए चैप्टर में। अब आई होप मैं चालू करूँगा हिस्ट्री या ज्योग्राफी, दोनों में से किसी एक बुक को फिर से हम स्टार्ट कर देंगे, जैसे कि आपका ज्योग्राफी का भी पूरा का पूरा सेशन ख़त्म हो जाए। आज यहाँ पे आपका 9th क्लास का सिविक्स का लास्ट चैप्टर था जो मैंने आज ख़त्म कर दिया। अब हम आई थिंक शुरू करूँगा मैं आपको हिस्ट्री या ज्योग्राफी, जो आपको कल एक वीडियो में
अलग से दिख जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक क्या करना है आपको, तब तक वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। जिस इंसान को इस वीडियो की ज़रूरत है वहाँ तक आपको इस वीडियो को आपको पहुँचाना है। मेरे चैनल के ऊपर सारे के सारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपको, सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपको पीडीएफ के रूप में नीचे मिल जाते हैं, उनको डाउनलोड करो। वो इजी वे में आपको इजी टॉपिक्स को समझा सकता हूँ मैं आपको, आपको पास वो एक इजी फॉर्म में होगा जिससे आप उसको यूज़ कर सकते हो इन द फ्यूचर। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना, बाय बाय, टेक केयर।